तुम्हें याद होगा कि जब हम लोगों ने वो वेव मोशन पढ़ा तब उसमें हम लोगों ने ये बातचीत की कि हर पार्टिकल बेसिकली ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है इन SHM, ठीक है क्या? ईच इंडिविजुअल पार्टिकल है ना, ईच इंडिविजुअल पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग SHM, ठीक है बात? वो SHM तो मार रहा है बढ़िया से मस्त। अच्छा, तो अगर वो SHM मार रहा है और लेट से पहले पार्टिकल का जिसको मैं स्टडी कर रहा था है ना, लेट से ये W, ये मान लेते हैं कि X, ये मान लेते हैं एक Y, ये मान लेते हैं एक Z, ऐसा। तो हर इंडिविजुअल पार्टिकल जो SHM मार रहा है, क्या उसके किसी पर्टिकुलर, मतलब एक अगर W को अगर मैं कंसिडर करूं तो W किस हाइट पर गया Y, क्या मैं ये लिख सकता हूँ? इफ एट टी इक्वल्स टू जीरो, अगर मैं कहता हूँ कि उसका फेज जीरो है, तो इनिशियल फेज अगर जीरो है तो क्या मैं उसका वाई लिख सकता हूँ? अगर हर पार्टिकल SHM कर रहा है, सालो SHM पढ़ पढ़ के मतलब अभी तक के तो पूरे पत्थर हो गए हो, हैं? तो अब क्या तुम उसका वाई लिख सकते हो? W का बोलो, वाई कितना होगा W का बोलो, वाई कितना होगा W का? अरे पापियो अधर्मियो, बहुत पाप लगेगा बता रहा हूं मैं। वाई कितना होगा W का? क्या मुझे कोई सुन पा रहा है? साइन हाँ, तो इतना इतना क्यों टाइम लगा? वो भी एक व्यक्ति ने बोला है, इतने में तो पूरी क्लास को चीख देना चाहिए था कि ये तो भाई ऐसी बेज्जती वाली बात कर रहा है, क्या हम वाई नहीं बता सकेंगे? है साले, इतना बोलने में इतना टाइम लग गया तुमको? अच्छा, तो अब मेरे को बस एक ही तुमसे छुटका सा सवाल पूछना है। ते अगर तुम देखो वो ये किसके लिए लिखा मैंने, फॉर W, समझ गया? लिखा है मैंने W के लिए, W के माफिक, ठीक है क्या? फॉर W, W के लिए लिखा मैंने। मेरे को एक बात बताओ, अगर ये सवाल मैं तुमसे करूं कि बाबा जी लिखो X के लिए, लिखो, समझे क्या? X के लिए, ठीक, मतलब मान लेते किसी एक दूसरे पार्टिकल के लिए तुमको अगर मैं लिखवाता हूँ, ठीक है, जो मान लेते हैं लेट से कुछ एक सर्टन दूरी पर है, इसको अपन बोल देते हैं जो दूसरा पार्टी एक्स ही, उसका भी नाम भी पढ़ना था और एक्स मेरे को एक्चुअल में वेरिएबल भी अज्यूम करना है, तो मैं इसको ले लेता हूँ W के बजाय, उसको ले लेता हूँ एक दूसरा पार्टिकल Y कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है क्या? तो यहाँ अगर X, अगर मैं Y अगर लिखता, तो Y भी नहीं लिख सकते, तो उसको Z कंसिडर कर लो ऐसा, ठीक है क्या? ऐसा Z कंसिडर कर लो। तो अब देखो जो Y होगा तुम्हारा है ना, वो कितना कहाँ तक हो रहा है, क्या हो रहा है? Y को तुम कैसे लिख रहे हो? A साइन ओमेगा टी, समझ गए? और ये W वाला जो पार्टिकल है चल पड़ा अपना मस्त, है ना? W का जो सर्कल है वो अपन ने बना लिया। किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पर अगर अपने को W अगर लिखना है कि W की Y वाली पोजीशन कितनी होगी, अपन प्रोजेक्शन उठा लेंगे, क्या बोलते हो? प्रोजेक्शन उठा लेंगे अपन दाएं से, है कि नहीं? अच्छा, तो किसकी मदद से उठा लेंगे? W डैश की मदद से उठा लेंगे। W डैश इज द रेफरेंस पार्टिकल फॉर W, ठीक है क्या? रेफरेंस पार्टिकल है ना, रेफरेंस पार्टिकल फॉर W, क्या बोलते हैं? अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, सादा से मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ। मान लेते हैं ये x दूरी पर एक दूसरा पार्टिकल लोकेटेड है, क्या है? एक x दूरी पर दूसरा पार्टिकल लोकेटेड है। पूरा मीडियम तो अपना हॉरिजॉन्टल है ना, ये जो सीधी लाइन मैं बनाया हूँ, क्या है ये? तो मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। W एक पार्टिकल है, Z एक दूसरा पार्टिकल है, ठीक है? Z जो पार्टिकल है दाईं तरफ लोकेटेड है, कितनी दूरी पर बोलो? x दूरी पर लोकेटेड है। मेरे को बस एक बात बता दो, वेव की स्पीड अगर तुम्हारे पास v है, v है ना, मानते हैं वेव स्पीड अपने पास v है, ठीक है, ऐसा वेव की स्पीड v है, तो मेरे को बस ये बताओ जो x दूरी है, वेव को x दूरी ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा? टाइम कितना लगेगा बोलो? लैम्बडा भी लैम्बडा कहाँ से आ गया बे, क्या बोले है? मैं पूछ रहा हूँ साले, तेरी स्पीड v है और तेरे को डिस्टेंस ट्रैवल करनी है x, है ना? टाइम टेकन, ठीक है क्या, बाय डिस्टरबेंस, या फिर मैं कहूँ वेव, वेव और डिस्टरबेंस क्या एक ही चीज है क्या? हाँ एक ही चीज है। फालतू सर, वेव वेव बोल के क्या कंफ्यूजन पैदा करना? आज तक अपन 8वीं से वेव बोलते आए थे, कुछ समझा नहीं था। डिस्टरबेंस बोलो भाई सीधा,
समझे क्या? फालतू में क्यों वेव बोल के ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन सा नया पंडा कुछ पढ़ रहा है। डिस्टरबेंस बोल तू सीधा, समझे? वो डिस्टरबेंस किस तरह से प्रोपोगेट करती है, अब क्या तुम्हें समझ में आया है क्या? है डिस्टरबेंस किस तरह से प्रोपोगेट करती है उतना तो पता है ना तुम्हें? यस सर। हाँ तो थोड़ा यस नो अगर बोल दिया करो, मेरे को ऐसा लगता है कि तुम सो तो नहीं गए कहीं, मेरे को ये डाउट आता है सही में। तो मैं ये मेरा है बस ये बोलना है कि उसमें पार्टिकल डब्ल्यू एक्चुअल में उठ के खुद चल के उसको नहीं गया तमाचा मारने जेड पर जो पार्टिकल है, उसने कैसे अपने बाजू वाले को बोला अब उसके कान में, फिर उसके बाजू वाले ने उसको, लड़कियों का पूरा गैंग है यहाँ, समझे क्या? तो कोई उठकर कभी कोई किसी के पास देखा, लड़कों का तुम देखना उसमें उन लोग का जो मैटर रहता है तुरंत उसी के उसी वक्त कैसे तैसे तो सॉर्ट आउट हो जाता है, और लड़कियों का जो मैटर है वो ऐसे सॉर्ट आउट नहीं होता, वो पहले बात पूरे नागपुर तक फैलती है, उसके बाद जिन दो लोगों के बीच में वो मामला है, समझे क्या? पहले कौन किसको आग लगाता है दूसरे वाले को, फिर दूसरा तीसरे को आग लगाती है, तीसरी चौथे को आग लगाती है, इस तरह से कैसा एक बहुत ही एक विशियस साइकिल बनता है ऐसा। और तुम ऐसा देखना कि लड़कों में ये सब नहीं होता बकवासबाजी कि वो उसको ये उसको वो उसको, ऐसा ये सब नहीं चलता, समझे? उसमें तो खुद ही जाके वो उसी से बातचीत करेगा कि हाँ भाई क्या दिक्कत है, सीधा बोल ना। लड़कियों में ऐसा नहीं होता, लड़कियों में जैसे अगर दो लड़कियों में अगर पंगे हैं तो उसमें तीसरी आती है, फिर चौथी भी आती है, पांचवी भी आती है, साथी हाथ बढ़ाना रे, और ये 5 कब 500 हो जाता है पता भी नहीं चलता। और उसके बाद जब 500 पार्टिकल तक जब बात पहुंच जाती है, उसके बाद फिर 501वें पार्टिकल पर फिर कैसा बात आती है वो जो लड़की खुद होती है, समझ गया? तो पूरा लड़कियों का हुजूम है ये। तो डब्ल्यू क्या खुद कभी उठ के एक्स के पास जाता है क्या? देर इज नो मास ट्रांसफर, ठीक है क्या? देर इज ओनली एनर्जी ट्रांसफर एंड मोमेंटम ट्रांसफर, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है क्या? उसमें जो डब्ल्यू है कभी उठ के एक्स के पास नहीं जाएगा, वो अपनी जगह पर कैसा अपनी गंध मचाता रहता है, समझे क्या? जैसे लड़की अपनी जगह पर बैठी है, वो कैसा अपनी जगह पर ऑसिलेट करते करते, वो कैसा है जैसे अगर कोई उसके निकट नजदीक आया ऑसिलेट करते करते, तो वो उसको बताएगी, फिर वो जो दूसरा वाला ऑसिलेट हो रहा है वो लड़की, वो फिर कैसा तीसरे को बताती है वो ऑसिलेट करते हुए, इस तरह से बात कैसा डब्ल्यू से जेड तक पहुंचती है, ठीक? उसमें ऐसा है क्या कि डब्ल्यू अपना घर बार छोड़कर किसी वही जिसके जिसको वो बात पहुंचानी है वहां तक जा रहा है खुद, जा रही है खुद, ऐसा नहीं है, ठीक? उसमें देखना ये बात 80% तो एकदम सही है, 20% मैं गलत रहूंगा लेकिन 80% एकदम सही है, ठीक? तो उधर डब्ल्यू कैसा है खुद उठ के नहीं जा रहा है जेड तक। मेरा बस तुमसे ये बोलना है कि ये देखो लड़की की स्पीड क्या है लड़की बोले तो डिस्टरबेंस, तो लड़की की स्पीड क्या है? अबे डब्ल्यू है ना, डब्ल्यू है ए सॉरी वी है, और उसको डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करनी है जेड तक पहुंचाना है ना डिस्टरबेंस, उसको जेड का ऑसिलेशन कब स्टार्ट होगा, एक्सटेंशन कितना टाइम वी लगेगा बाय उसको, एक्स, वी बाय वी एक्स बाय लगेगा, एक्स, वी बाय एक्स, साले 8वीं फिर से पढ़ तू, समझा क्या? वी एक्स बाय बाय वी, एक्स बाय वी लगेगा ना, एक्स बाय वी, सॉरी सर, एक्स बाय वी। वही मेरे को डाउट ही होता है कई बार। तो इतने टाइम बाद क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जेड पर जो पार्टिकल है उसका ऑसिलेशन शुरू हो जाएगा, वो भी हपर हपर ऊपर नीचे शुरू हो जाएगा, क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है? अच्छा अब मेरे को एक बात बस बता दो, क्या ये जितने टाइम तक ये वेव जेड तक पहुंची डब्ल्यू से जेड तक, क्या उतने टाइम ये वाला जो पार्टिकल है डब्ल्यू क्या वो शांत बैठा रहेगा क्या? नहीं, वो चलेगा ना, क्या बोल रहा हूँ, क्लियर है? हाँ सर। ठीक है हाँ। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, अगले स्टेटमेंट पर ध्यान दोगे, कि जितने टाइम तक डिस्टरबेंस है ना जो जेड तक पहुंचने में जितना टाइम डिस्टरबेंस को लगा, उतने टाइम तक जो डब्ल्यू वाला पार्टिकल है उतने टाइम तक वो आगे बढ़ेगा, और जितने टाइम तक जितना डिस्टेंस वो आगे बढ़ गया इस टाइम में, उतना ही दोनों के बीच हमेशा गैप मेंटेन रहेगा हमेशा। जैसे मान लेते हैं यश और अमन दोनों रेस पे भाग रहे हैं और अमन निकल गया पहले, अब मान लेते हैं यश ने 5 सेकंड के बाद रेस शुरू की, तो मेरे को एक बात बताओ क्या मैं ये बोल रहा हूँ गलत है मेरा? अगर मान लेते हैं अमन के भागने की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है तो क्या ये बोलना, 10 मीटर पर, तो मान लेते हैं, हाँ क्या हो गया? मृन्मयी का मैसेज आया कि वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करिए आप उसकी। सॉरी ठीक है, काइंडली मैसेज हर बैक, वैसे तो उसको पता चल गया होगा, ठीक है क्या? एनीवेज ठीक है, तो मैं तुमसे ये कह रहा था कि अगर मान लेते हैं अमन ने रेस पहले शुरू कर दी और यश मान लेते हैं बाद में भागना शुरू कर रहा है, तब क्या होगा? मैं ये बोल रहा हूँ, जो डेटा दे रहा हूँ उस पर फोकस करोगे जरा,
अमन जो है वो मान लेते हैं उसने 10 सेकंड पहले भागना शुरू कर दिया है, ठीक है क्या? और अमन के लॉन्च होने के 10 सेकंड के बाद यश भागना शुरू कर रहा है, और अमन की जो भागने की स्पीड है वो ऐसा बोल लेते हैं 2 मीटर पर सेकंड है, ठीक है? तो 10 सेकंड में अमन ने 20 मीटर की जो दूरी तय कर ली, ठीक है? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो यश है और अमन है दोनों के बीच एक कांस्टेंट दूरी हमेशा बनी रहेगी कितना 20 मीटर की, अगर यश भी खुद 2 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है तो? जाहिर सी बात है दोनों में कहीं कोई एक्सेलरेशन वगैरह कुछ नहीं है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? हाँ, हाँ यहाँ सर। एक बात का ध्यान रखना, मैं ऐसा क्यों बोल सकता हूँ कि जो तुम्हारा क्या बोलते हैं, जो दोनों की जो स्पीड है वो दोनों की जो स्पीड भागने की वो सेम है, वैसे यहाँ पर भी वैसे ही सीन होगा। क्यों होगा यहाँ तुम देख लेना, अभी बड़ा ध्यान से देखो कि डिस्टरबेंस जब तक कि जेड तक पहुंचती नहीं बेचारा, वो तो अपनी रेस शुरू ही नहीं कर पा रहा है, ठीक है? तो उसको कितना टाइम लगा डिस्टरबेंस को जेड तक पहुंचने में, एक्स बाई वी टाइम लगा। इतने टाइम तक एक्चुअल में जो डब्ल्यू वाला पार्टिकल है वो आगे भग जाता है ऑसिलेशन में। अब अपने को अच्छे से पता है कि ऑसिलेशन को डिस्कशन करते वक्त अपन रेफरेंस पार्टिकल के टर्म्स में अपन बातचीत करते हैं, ठीक है क्या? तो एक्चुअल में जो जेड का जेड डैश है वो थोड़ा लेट लॉन्च होता है, समझे क्या? सर्कल का डायमीटर क्या दोनों का समान रहेगा? हाँ बिल्कुल समान रहेगा, ठीक है, दोनों का बिल्कुल समान रहेगा, बिकॉज दोनों ही पार्टिकल्स एकदम आइडेंटिकल हैं। फर्क बस एक बात का है, दोनों ही पार्टिकल्स बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, फर्क बस एक बात का है। किस बात का? जेड का जो ऑसिलेशन है बेचारे का थोड़ा लेट शुरू हुआ है, और किसी मामले में वो किसी तरह से पीछे नहीं है, कुछ भी किसी तरह से वो पीछे नहीं है। पार्टिकल का जो मीडियम है वो सबके लिए एकदम एक समान है, एकदम आइडियल अपन ने कंडीशंस मानी हुई है, कहीं कोई ऐसा नहीं कि जेड वाले का एम्पलीट्यूड ज्यादा कम, ऐसा ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है? जो डिस्टर्बेंस है बस वो बेचारे तक क्योंकि लेट पहुंच रही है ऑब्वियस है, ठीक है क्या? क्योंकि डब्ल्यू डब्ल्यू डैश को बोलेगा, फिर डब्ल्यू डैश डब्ल्यू डबल डैश को बोलेगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ऐसा करते करते वो लोग जेड तक पहुंचाएंगे अपनी बात, समझे? तो जेड तक जब तक बात पहुंची तब तक डब्ल्यू थोड़ी बैठा हुआ रहेगा, डब्ल्यू तो आगे जाएगा, तो डब्ल्यू आगे जाएगा इसका मतलब रेफरेंस पार्टिकल जो डब्ल्यू डैश है उसका काम शुरू हो चुका रहेगा गोल 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 घूमने का, क्या बोलते हैं वो, तो अपना गोल 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 अपना लग गया होगा मस्त अपना घूमने में। अच्छा तो अब ध्यान दोगे, जो जेड डैश है ये वाला इसका पार्टिकल है ना, वो अभी अपनी जर्नी शुरू करेगा। कब अपनी जर्नी शुरू करेगा? जब तक के ये जो डब्ल्यू डैश है ये कितना चल चुका होगा, कितना थीटा चल चुका होगा, ओमेगा टी, कितना? ओमेगा एक्स बाय वी। क्या मैं बोल रहा हूँ क्लियर है? अरे हाँ सर। क्या मैं बोल रहा हूँ क्लियर है क्या? ठीक है, इतना थीटा डब्ल्यू डैश चल चुका होगा, इतना थीटा डब्ल्यू डैश के चल जाने पर अब कैसा है ना, अब जेड डैश का मोशन अब शुरू होगा, ठीक है क्या? जेड डैश मोशन ऑफ जेड डैश स्टार्ट्स आफ्टर टाइम एक्स बाय वी। क्या बोले हो यहां तक, अगर किसी को कुछ पूछना है तो बोलो जल्दी बोलो, ठीक है? ठीक है, ये ओमेगा कौन डिसाइड करता है? जो ऑसिलेटर होता है ना ऑसिलेटर, जैसे तुमने रस्सी से कभी पता नहीं ऐसे ऊपर नीचे, अगर रस्सी का एक कोना अगर बंधा हुआ है और तुम रस्सी के दूसरे कोने को ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऑसिलेट करोगे तो कैसा होगा, ट्रांसवर्स वेव बनती हुई दिखाई देगी। तुम्हें पहले तो नहीं पता होगा कि वो ट्रांसवर्स वेव्स हैं, बट एक्चुअल में ट्रांसवर्स वेव्स बनती है रफली, ठीक है क्या? तो ऑसिलेटर कौन है इसमें? तुम्हारा हाथ, ठीक है? तो तुम्हारे हाथ की जो फ्रीक्वेंसी है जो ओमेगा है वही ओमेगा सब में प्रोपोगेट होता है, ठीक? जो एक ऑसिलेटर है ना, जैसे इस केस में, जैसे कल हम लोगों ने कितना मॉडल बनाए ट्रांसवर्स वेव के, लॉन्गिट्यूडनल वेव के, कितने सारे मॉडल बनाए अपन ने, तो उसमें जो डब्ल्यू अपना था अपन बोल सकते हैं सर डब्ल्यू ऑसिलेटर है, डब्ल्यू इज द ओरिजिन फोर फादर, समझे क्या? वो फोर फादर है सबका, ठीक है क्या? तो वहीं से सारी उत्पत्ति हो रही है सारे ऑसिलेशन की, अपन ऐसा बोल सकते हैं कि डब्ल्यू के लेफ्ट में और कोई पार्टिकल ही नहीं है, ठीक है? डब्ल्यू ही मेरा ऑसिलेटर है। तो डब्ल्यू का जो ऊपर नीचे ऊपर नीचे वाले ओमेगा बोले तो क्या, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी से तुम्हारा फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड भी तो सेट होता है, ठीक है? तो वो जो डब्ल्यू है वही एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी सेट कर रहा है पूरे सारे पार्टिकल्स की ऑसिलेशन की, ठीक है? तो ओमेगा इज डिसाइडेड बाय द ऑसिलेटर, ठीक? एंड अनलेस अनटिल ऑसिलेटर चेंजेस, ओमेगा डज नॉट चेंज इवन इफ यू चेंज द मीडियम, चाहे कुछ भी करो, ठीक? ओमेगा इज ओनली डिपेंडेंट ऑन ऑसिलेटर, ठीक है? मीडियम चेंज करो, कुछ भी करो, रस्सी को आग लगा दो, कुछ कर दो, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक के ऑसिलेटर चेंज नहीं होगा, जब तक के जो सोर्स, सोर्स बोलते हैं उसको, सोर्स,
जब तक ये सोर्स चेंज नहीं होगा, ऑसिलेटर चेंज नहीं होगा, तब तक ये ओमेगा चेंज नहीं होगा। चाहे कोई तुमको कितना भी डराए धमकाए कि मीडियम चेंज कर दूंगा, आग लगा दूंगा, कुछ कर दूंगा, ये वो ऐसा वैसा, तुम बोलना कि सीधा ऑसिलेटर चेंज हो रहा क्या? नहीं। तो वो जो मशीन है जो ऑसिलेट कर रही है आगे पीछे ऊपर नीचे, जब तक वो चेंज नहीं होगी तब तक है तुम्हारा जो फ्रीक्वेंसी है वो भी चेंज नहीं होगी। ओमेगा किसी के लिए चेंज नहीं होगा, हर पार्टिकल का, आगे आने वाले हर पार्टिकल का ओमेगा सबके लिए समान रहेगा। ठीक है बात। अच्छा अब बस मेरे को एक बात बताओ फटाक से, मेरे पास एक छोटा सा सादा सा स्टेटमेंट है, जितने टाइम में डब्लू डैश है ना वो इतनी एंगुलर डिस्टेंस थीटा जब उसने ट्रैवल की होगी, ये इतनी एंगुलर डिस्टेंस जब उसने ट्रैवल की होगी, उतनी देर के बाद एक्चुअल में जेड डैश का मोशन तब स्टार्ट होगा। ठीक है, यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बताए, यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। क्या यहां तक किसी को कोई परेशानी है तो बताए मेरे को। ठीक है, तो इसके बाद एक्चुअल में अगर मान लेते हैं तुम डब्लू डैश के लिए अगर सर्कल अगर बनाओगे, ध्यान दो, डब्लू डैश के लिए अगर तुम सर्कल अगर बनाओगे तो किसी भी इंस्टेंट पर जहां पर डब्लू डैश होगा, मान लेते हैं यहां पर है डब्लू डैश, मेरे को बताओ जेड डैश कहां पर होगा, जेड डैश कहां पर होगा बोलो। लैग्स डब्लू डैश बाय ओमेगा एक्स बाय वी है कि नहीं, तो इसको बोल देता हूं मैं फाई, ऐसा। तो ये वाला एंगल कितना हो गया फाई, क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है, क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है? तो अरे नहीं क्लियर है क्या? अरे जेड नहीं है डैश, सर, हाँ नहीं क्लियर है? नहीं है क्लियर। अच्छा, जेड डैश लैग कर रहा है डब्लू डैश से, क्या ये चीज क्लियर है? सर लैग का मतलब क्या होगा उसमें? लैग का मतलब पीछे है, क्यों पीछे है, उसने रेस अपनी लेट शुरू की ना, जो जेड का जेड डैश रेफरेंस पार्टिकल है उसका जो मोशन है कब शुरू हो रहा है, कितने टाइम के बाद शुरू हो रहा है, एक्स बाय वी टाइम के बाद शुरू हो रहा है। क्यों ऐसा? क्योंकि तब तक के वहां तक डिस्टरबेंस पहुंची ही नहीं है। ठीक, हाँ सर, हाँ समझ तो, गए। हाँ तो जब तक के है ना एक्स दूरी, वो डिस्टेंस डिस्टरबेंस ट्रैवल नहीं कर लेती, एक्स दूरी पर लोकेटेड है वो जो मेरा पार्टिकल है जेड। ठीक है, तो वेव की जो डिस्टरबेंस की जो ट्रैवल करने की जो स्पीड है अगर उसको मैं वी अगर मानता हूँ, ठीक, तो डिस्टरबेंस कितने टाइम के बाद जेड तक पहुंचेगी, एक्स बाय वी टाइम तक। तो एक्स बाय वी टाइम तक के जो जेड वाला पार्टिकल वो खाली बैठा रहेगा। याद करो तुम, हम लोगों ने जब ट्रांसवर्स वेव वाला मॉडल पढ़ा था तब उसमें सामने आने वाले जितने पार्टिकल्स थे वो वैसे के वैसे खाली पड़े पड़े रहते थे। ठीक है क्या? मोशन एक से दूसरे में ट्रांसफर होने में कुछ वक्त लगता है ना, तब तक के वो जो एकदम राइट वाले पार्टिकल्स है वो वैसे के वैसे बैठे रहते हैं ना, पड़े बेरोजगार एकदम। ठीक है, तो उसी प्रकार एक्स बाय वी टाइम के निकल जाने तक जेड एक्चुअल में बेरोजगार ही बैठा हुआ रहेगा। ठीक है, जेड का मोशन एक्चुअली शुरू नहीं होगा। ठीक है ये बात। हाँ अच्छा सर, हाँ, तो इतने टाइम में क्या डब्लू डैश वो खाली बैठा रहेगा क्या? नहीं, वो आगे बढ़ेगा ना वो। ठीक है, वो आगे बढ़ गया। ठीक है क्या? तो जो डब्लू डैश है वो कितना आगे जाएगा, मान लेते हैं वो कहीं पर है, ये मान लेते हैं एट अ सर्टन टाइम ये डब्लू डैश की पोजिशन है। ठीक है क्या? ये उसकी पोजिशन है ऐसा, तो जो जेड डैश है वो भी उसके पीछे पीछे आ रहा होगा, लेकिन उससे फेज में कितना लैग कर रहा होगा वो, इतना, ओमेगा टी। क्या ये बात समझ में आ रही है अभी? हाँ क्या ये बात तुम्हारे समझ में आ रही है? सर, ठीक है, तो हाँ अगर मान लेते हैं डब्लू के एसएचएम के लिए अगर अपन ये लिखते हैं फॉर डब्लू, है ना, फॉर डब्लू मैं अगर लिखता हूँ वाई, ठीक है क्या, ए साइन ओमेगा टी, तुम ही ने बताया था मुझे तुम में से एक ने, तो मेरे को बताओ डब्लू के लिए अगर मैंने ऐसा लिखा है तो जेड के लिए मैं कैसे लिखूंगा, वाई इक्वल्स टू कैसे लिखूंगा? ए साइन ओमेगा एक्स बाय वी।
क्या ओमेगा एक्स वीक, क्या बकवास है, कोई बता सकता है क्या ढंग से? अरे अगर डब्लू का फेस, अगर मानते हैं ओमेगा टी है, तो जेड का फेस कितना रहेगा बे? ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ओ माय गॉड, जेड पीछे है कि आगे है पागल लड़की? जेड पीछे चल रहा है, आगे माइनस चल रहा फाइव है? रहा है। माइनस हाँ ठीक से बोलो, फिर से बोलो पूरा बोलो। ए साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। क्या है तुम्हें समझ में आया है कि जोर जबरदस्ती करके मैंने निकलवाया है? ये आया समझ ना? गया सर। हाँ ठीक है, इसमें फाई क्या है? फाई इज ओमेगा एक्स बाय वी, ओमेगा ठीक है क्या? ठीक है बात। तो ये एक्चुअल में ये जो चीज है, दिस इज इसको कहते हैं फेज डिफरेंस, ठीक है क्या? फेज डिफरेंस है ना बिटवीन टू पार्टिकल्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, एक्स। समझ गए? अगर मटेरियल मीडियम में किन्हीं भी दो पार्टिकल्स के बीच की दूरी मानते स्मॉल एक्स है, तो दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस होगा कितना होगा? यही होगा कि नहीं होगा? क्या इस बात से एग्री करते हो? जहां की वी क्या है तुम्हारे पास? वेव स्पीड, ठीक है? क्या इस बात से एग्री करते हो? हाँ सर, ब्रह्मा का मैसेज आया, उसको ज्वाइन करो बोल रहा हूँ। अरे बाप रे, ये हो क्या रहा है बे? अरे 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 अरे, एक सेकंड। हाँ ठीक है, खैर मैं तो काफी देर रुका भी था यार तुम्हारे लिए, काफी देर वेट किया था मैंने। एनीवेज, तो क्या मेरी बात अब तुम्हें समझ में आ गई है? क्या तुम्हें मेरी बात अब समझ में आ गई? ज्वाइन तो हो गया ना वो, ये शोभित भी नहीं आया था क्या? ये भगवान, अरे अरे अरे, क्या तुम्हें मेरी बात अब समझ में आ गई है? अगर मान लेते हैं एक पार्टिकल, ठीक है, एक पार्टिकल डब्लू डैश अगर ऑसिलेशन अपना शुरू कर चुका रहेगा, जेड डैश उसको अगर फॉलो कर रहा है, तो जेड डैश एक्चुअल में उससे कितना पीछे है? क्या ये अपन निकाल सकते हैं? बिल्कुल। तुम बोलोगे कि डब्ल्यू और जेड के बीच की दूरी कितनी है, जैसे ही तुमको पता चला कि डब्ल्यू और जेड के बीच की दूरी एक्स है, तुम ये बोलोगे ना कि ऑसिलेशंस डब्ल्यू से जेड तक पहुंचने में कितना वक्त लगाएंगे? एक्स बाई वी, ठीक है? अरे समझ रहे हो क्या क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर, हाँ, हाँ सर। तो उसमें तुम्हारे क्या बोलते हैं, जो फेज डिफरेंस जो जनरेट हो जाएगा डब्ल्यू डैश और जेड डैश में, डब्ल्यू डैश और जेड डैश जहाँ की रेफरेंस पार्टिकल्स है डब्ल्यू और जेड के लिए, वो फेज डिफरेंस एक्चुअल में कितना जनरेट हो जाएगा तुम्हारे पास? बोलो। डब्ल्यू एक्स वाई भी, क्या यहाँ तक किसी को अगर कोई, हाँ फाई फाई जनरेट होगा, और उसको अपन क्या बोल सकते हैं? डब्ल्यू एक्स वाई भी। यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बताए, यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ मेरे को, ठीक है ये सारी बातें? सर वो तो ओमेगा होगा ना, डब्ल्यू कैसे? क्या ओमेगा क्या होगा? ओमेगा होगा ना, आप डब्ल्यू बोल रहे हो उसको, ए साइन ओमेगा टी। डब्ल्यू तो पार्टिकल है ब्रह्मा, ठीक, डब्ल्यू तो वो पोजीशन है जो पहले जिस पार्टिकल को मैंने माना है ना, डब्ल्यू अलग चीज है, ओमेगा अलग चीज है। तेरा सवाल क्या एग्जैक्टली मैं समझ भी नहीं आया मेरे को। नहीं सर, वहाँ पे थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी लिखा है ना, तो आपने डब्ल्यू एक्स बाय वी बोले उसको। नहीं डब्ल्यू एक्स वाई नहीं, वो ओमेगा एक्स वाई वी होगा। अगर डब्ल्यू एक्स वाई वी अगर निकल गया मेरे मुंह से तो वो गलत है, ठीक, वो एक्चुअल में ओमेगा एक्स वाई वी होगा, ठीक है? हाँ सर, हाँ और कुछ? ठीक है ये बातें। अच्छा, ये हाँ जो ओमेगा ओमेगा बाय वी है, इसका थोड़ा सा एनालिसिस अपने को करना है। इसको बोलते हैं वेव नंबर, समझे क्या? ये जो ओमेगा बाय वी वाली जो चीज है, इसको अपन कहते हैं वेव नंबर, एंड इट इज डिनोटेड बाय के, ठीक। इसको बोलते हैं वेव नंबर, समझ रहे हो क्या? क्यों वेव नंबर बोलते हैं? दिस इज एक्चुअली वेव नंबर, ठीक है? तो वो वेव नंबर इसीलिए बोला जाता है, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट, इसको वो मत समझना, वो जो तुम्हारा
क्या रहता है वो, एम ओमेगा स्क्वायर, समझे? रिस्टोरिंग फोर्स। हाँ, नहीं तो ये वो चीज नहीं है, ठीक है? क्या ये वो चीज है, क्या ये वो चीज है या नहीं है, पहले तुम मेरे को बताओ, क्या ये वो, ये वेव नंबर क्या वही चीज है क्या? नहीं पहले वेव नंबर इसको क्यों बोलते हैं, पहले तो वो तुम समझ लो, है ना? ध्यान दोगे, वी इक्वल्स टू तुम्हारे पास किसी भी वेव के लिए रहता है फ्रीक्वेंसी टाइम्स लैम्डा, ठीक है क्या? ये चीज कैसे आती है, ये चीज कैसे आती है, इसको देखो शुरू से। जो दूरी टाइम एक्चुअल, अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम। हाँ वही वही, तो एक्चुअल में इतनी दूरी वेव ट्रैवल कर रही है इतने टाइम में, क्या बोलते हो भाई? तुम ये कह सकते हो ना कि टाइम पीरियड टी में दूरी कितनी ट्रैवल कर रही है वेव, लैम्डा ट्रैवल कर रही है, तो 1 सेकंड में कितनी दूरी ट्रैवल करेगी वो, लैम्डा बाय टी, है ना? तो 1 सेकंड में वेव जितनी दूरी ट्रैवल करती है उसी को तो अपन वेव स्पीड कहते हैं, ठीक है क्या? तो ये चीज आता है तुम्हारा ऐसा, वी इक्वल्स टू लैम्डा बाय टी, इसको तुम ऐसा भी बोल सकते हो, लैम्डा टाइम्स वन अपॉन कैपिटल टी, ऐसा भी इसको बोला जा सकता है। तो वी इक्वल्स टू एफ लैम्डा, ऐसा वन अपॉन टी अपने को तो पता है ना, ये फ्रीक्वेंसी है करके, ये चीज दिस इज फ्रीक्वेंसी, अपने को तो पता है ये चीज, ठीक है क्या? अपने को तो पता है ना ये फ्रीक्वेंसी कहलाती है करके। अच्छा, तो वी इक्वल्स टू एफ लैम्डा होता है। अच्छा, अभी यहां पर देखोगे फ्रीक्वेंसी की जगह मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, ओमेगा बाय टू पाए, ठीक है बात, ऐसा लिखा जा सकता है, क्या बोलते हो? तो इस चीज को जैसे ही यहां पर पुटअप करोगे क्या आवेगा, देखो के बराबर ये हो जाएगा ओमेगा बाय टू पाए, है ना, और टाइम्स लैम्डा, ऐसा। तो ये चीज देखो कितनी आ रही है, ये हो जाएगा कहाँ गया एफ, और अच्छा ये नीचे रहेगा, एक सेकंड, ओमेगा बाय टू पाई ये ऐसा रहेगा ना, यहाँ देखो के किसके बराबर है, ओमेगा बाय वी के बराबर है, और वी किसके बराबर है, एफ लैम्डा, और एफ है ये, और लैम्डा नीचे रहेगा, समझे क्या? तो ये चीज कितनी आ जाती है, ओमेगा बाय ओमेगा लैम्डा, और ये हो गया ऊपर टू पाए, ऐसा, समझे? तो ओमेगा ओमेगा हटाओ, ये चीज कितनी आ रही है, टू पाए बाय लैम्डा, ठीक है बात, क्लियर है ये चीज? तो इसको हम लोग कहते हैं वेव नंबर। इसको अगर तुम, अगर थोड़ा अगर डिफाइन अगर करो, इसको किस प्रकार डिफाइन कर सकते हो, अगर टू पाए बाय लैम्डा के हिसाब से अगर इसको लिखा जा रहा है, तो इसको डिफाइन कैसे कर सकते हो तुम, कि टू पाई डिस्टेंस में कितनी वेवलेंथ पॉसिबल है, समझे क्या? नंबर ऑफ वेवलेंथ इन अ डिस्टेंस ऑफ टू पाई, समझ गए? जैसे अगर मैं ये कहता हूं कि मान लेते हैं तुम्हारे पास एक वेवलेंथ में नंबर ऑफ वेव्स कितनी है, जैसे अगर मैं ये बोलता हूं इतनी, इसको तुम ऐसा बोलो एक वेव, ऐसा, समझ गए? ऐसा इतने 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 डिस्टेंस पे एक वेव है, ठीक है क्या? बहुत ही सादी सी एलिमेंट्री भाषा में बातचीत कर रहा हूँ, जैसे लैम्डा की दूरी तक, लैम्डा डिस्टेंस में एक वेव मौजूद है, ठीक है क्या? तो 1 मीटर में कितनी वेव, यूनिट डिस्टेंस में कितनी वेव मौजूद होगी, इतनी, समझे क्या? 1 बाय लैम्डा इज वॉट, है ना? ये 1 मीटर में प्रति मीटर कितनी वेव तुम्हारे पास प्रेजेंट है, 1 बाय लैम्डा। तो 2 पाई दूरी में कितनी तुम्हारे पास वेव्स मौजूद है, 2 पाई बाय लैम्डा, ठीक है क्या? इतनी वेव्स तुम्हारे पास मौजूद है, तो दिस इज नथिंग बट नंबर ऑफ वेव्स इन अ डिस्टेंस ऑफ 2 पाई, ठीक है क्या? नंबर ऑफ वेव्स इन अ डिस्टेंस ऑफ 2 पाई, ठीक है क्या? अच्छा, अभी एक मुद्दा और है अपने सामने, ये जो अपने सामने के आया है, के, इस के का और वो एम ओमेगा स्क्वायर वाले के का, दोनों का क्या नाता रिश्ता है? ये वाला जो के है ना, अच्छा इसका इसका मतलब और क्या हो गया, फेज डिफरेंस, अगर कोई दो पार्टिकल्स अगर मान लेते हैं एक्स दूरी पर अगर लोकेटेड है, तो दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस होगा वो कितना होगा, के एक्स भी तुम उसको बोल सकते हो। ओमेगा बाई वी को मैंने क्या बोला, के बोल रहा हूँ ना मैं, एंगुलर वेव नंबर, ठीक है क्या? तो इसका मतलब फेज डिफरेंस अपन क्या बोल सकते हैं, के एक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक? तो फेज डिफरेंस एक्चुअल में के एक्स भी बोला जाता है, ठीक है क्या? ठीक, ये बात ध्यान में रखना, अभी मैं चीजों का रिवीजन करवा दूंगा, इसके पहले बस मेरे को एक चीज तुम कंफर्म कराओ, जो ये वाला के है और जो एक और के अपन ऑलरेडी पढ़ के रखे हैं एम ओमेगा स्क्वायर वाला,
वो दोनों के में क्या अंतर है कि ये दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, कि कोई लेना देना है कैसा? कोई लेना देना है या नहीं है? क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हो क्या तुम? क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हो तुम? यस सर। हाँ, तो कोई लेना देना नहीं है एक्चुअल में, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है क्या? तो अगर मैं तुमसे ये कहूँ, अभी तक के जितने भी पॉइंट्स मैंने अभी इतनी देर में कवर किए हैं, उसमें अगर उसकी मैं शॉर्ट समरी अगर तुम्हारे सामने अगर बनाऊँ, तो जितना कुछ अभी हम लोगों ने पढ़ा वो ये पढ़ा, अगर मान लेते हैं मेरे पास लेट से एक पार्टिकल है, यहाँ पर W लोकेटेड है ऐसा, तो एक दूसरा पार्टिकल है मान लेते हैं Z, यहाँ पर ऐसा लोकेटेड है, समझ गए? तो जितनी देर में जो डिस्टरबेंस W से Z तक पहुंचेगा, मान लेते हैं दोनों के बीच की जो दूरी है X है, तो कितनी देर के बाद वो डिस्टरबेंस Z तक पहुंचेगा? X भाई, जो लोग लेट आए हैं उन लोग थोड़ा ज्यादा फोकस करें, ठीक, ये उनके पास समझने का आखिरी मौका है। तो W से जो डिस्टरबेंस एक्चुअल में प्रोपोगेट कर रहा है Z तक पहुंचने में, वो कितना टाइम लेगा? ये इतना टाइम लेगा, ठीक। इतने टाइम में क्या W वाला पार्टिकल खाली बैठा रहेगा? नहीं, इतने टाइम में जो W का W डैश है वो एक्चुअल में निकल के यहां तक आ जाएगा, ये यहां तक, समझ गए क्या? इतने टाइम में, और कितना उसने थीटा कितना चल गया रहेगा, वो इतना चल गया रहेगा ओमेगा टी ऐसा, ठीक है क्या? ऐसा ये इतना होगा वी, इतना वो चल गया रहेगा, क्लियर है? और जब तक कि वो इतना चल गया रहेगा, तब अभी जेड डैश का जो मोशन है तब वो एक्चुअल में स्टार्ट होगा, समझ गए? ठीक है, सर ये पाई बाय टू नहीं होगा क्या? पाई बाय टू कहां से आ गया? मतलब जितना वो चलेगा वो पाई बाय टू नहीं रहेगा क्या क्या पाई बाय टू रहेगा? पाई बाय टू सर? कहां से आ गया? पाई कहां से, क्यों नहीं आया? पाई थ्री पाई बाय टू क्यों नहीं आया? क्या बोल क्या रहे थे? जी सर, वाई डब्ल्यू से जेड ट्रैवल किया उसने, तो हाँ, उतने डिस्टेंस को ट्रैवल करने तक डब्ल्यू डैश जो है उसको पाई बाय टू कवर कर लेना चाहिए था ना। पाई बाय टू ही स्पेसिफिकली क्यों कवर कर लेना चाहिए था, ये तो वही बात हो गई। मैं एक्चुअल में क्या करूंगा कि वो जो डब्ल्यू डैश है वो एंगुलर मोशन कर रहा है, ठीक, उसके एंगुलर मोशन करने की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है ओमेगा, समझ गए? तो वो कितनी एंगुलर दूरी ट्रैवल करेगा, कितनी एंगुलर डिस्टेंस, कितना थीटा चलेगा, वो मैं कैसे निकालता हूँ? स्पीड इनटू टाइम करके निकालता हूँ ना। तो जब तक मोशन जेड का शुरू हो रहा है तब तक कितना टाइम लगा, ये है ना, ये वो टाइम है, ठीक है क्या? टाइम आफ्टर विच मोशन ऑफ जेड स्टार्ट्स, ठीक है, जितने टाइम के बाद एक्चुअल में जेड का मोशन शुरू होगा, ठीक, क्योंकि वेव को पहुंचने में वहां तक टाइम लगा है, क्लियर है? अच्छा, इतने टाइम में डब्ल्यू डैश कितना चलेगा, पाई बाय टू क्यों चलेगा? जैसे तू तो यही बात कर रहा है कि अमन अगर जल्दी अगर भागा है, मैं तुझे बता रहा हूँ कि अमन यश से 10 सेकंड जल्दी निकला है, और अमन की जो स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकंड है, तो मैं तुझे बोल रहा हूँ कि तू डिस्टेंस कैसे निकालेगा जो दोनों के बीच में हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जब तक यश का रेस शुरू नहीं हो रही तब तक ये दोनों के बीच की दूरी निकाल ले, और यश भी क्योंकि 2 मीटर पर सेकंड से ही भागने वाला है, दोनों के बीच हमेशा कांस्टेंट दूरी मेंटेन रहेगी, कितनी, 20 मीटर की। तो तू ये बोल रहा है सर 100 मीटर क्यों नहीं होगा? अभी समझ में आ रहा है? हाँ सर, ठीक है, तो दोनों की स्पीड अगर समान है, ठीक है, जो कि समान ही रहेगी क्योंकि ओमेगा समान है, दोनों की जो स्पीड है वो समान ही रहेगी, ओमेगा समान है ना दोनों के लिए, फॉर बोथ द पार्टिकल्स है ना, ओमेगा रिमेन्स द सेम फॉर बोथ डब्ल्यू एंड जेड, ठीक है क्या? फॉर बोथ डब्ल्यू एंड जेड ओमेगा इज सेम। अब डब्ल्यू भी साला मैंने ऐसे ही लिखता हूँ और क्या बोले हम, मैं, ठीक है क्या? अब तुम समझ लेना थोड़ा उसको, फॉर बोथ डब्ल्यू एंड जेड पार्टिकल्स लिख देता हूँ फिर, अब पार्टिकल्स है ना ओमेगा एंगुलर स्पीड ऐसा लिख देता हूँ मैं, ठीक, एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड। अब और कैसे करूं, मतलब डब्ल्यू डब्ल्यू सेट हो गया, इसलिए तो एक्स और वाई भी नहीं ले पा रहा था मैं, एंगुलर स्पीड रिमेन सेम, ठीक है।
तो इसीलिए क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट है? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट है? अरे हाँ ना, अरे समझ रहे हो क्या पागल प्राणियों, सर, कुछ बोला हाँ तो करो सर, कभी, हाँ ना सालो। हाँ, तो दोनों पार्टिकल्स के बीच का फेज डिफरेंस कांस्टेंट, और कितना फेज डिफरेंस? फाइव वाह, डब्ल्यू एक्स बाय वी, ओमेगा एक्स बाय ओमेगा वी। एक्स बाय वी कौन कौन था ये हरामखोर, कौन था ये जिसने फाई बोला? सर, फाइव फाइव हाँ तो फाई साले, तेरे को उसकी वैल्यू नहीं बतानी हुई भाई? इतनी देर से ओमेगा एक्स बाय वी, ओमेगा एक्स बाय वी अपन सीख रहे हैं, है? तो सर, यही वो बात एक ही होगी। बात है ना सर। अच्छा एक ही बात है, मैं ये पूछूंगा अभी निखिल से, पूछूंगा कि बता निखिल, यश ने रेस जो है अपनी लेट शुरू की, और अमन जो है जल्दी भाग रहा है, अमन की भागने की स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है, 10 सेकंड जल्दी निकला है, और मैं निखिल से जब पूछूंगा कि बता दोनों के बीच में क्या कांस्टेंट डिस्टेंस रहेगी, तो वो निखिल बोलेगा हाँ सर, बोलो बता दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी रहेगी, वो बोलेगा एक्स। तो इसमें किसी का माथा नहीं सन्ना आएगा बे, इतनी देर से अपन वैल्यू निकाल के बैठे हैं, तेरे से वैल्यू निकालना नहीं हो रहा है। अच्छा खैर, तो इस है ना, देयर इज अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस, ठीक, देयर इज अ कांस्टेंट, ठीक है, फेज डिफरेंस कितना बराबर ओमेगा एक्स बाय वी, ठीक, दिस फेज डिफरेंस है ना इज आल्सो रिटन एज के एक्स, ठीक है, इस फेज डिफरेंस को के एक्स भी कहते हैं, ठीक है बात। अच्छा तो ये मामला तो हो गया, मेरे को इसमें थोड़ा सा खेल के बता लो तुरंत जल्दी से स्पीड में, जैसे मान लेते हैं कि है डब्लू, ये है, ये हो गया, मान लेते हैं ये हो गया वन, अभी वन टू करते हैं, 1 2 3 4 ऐसा, ठीक, लेट से इसके दोनों के बीच की दूरी है, मान लेते हैं कुछ भी ले लो, लेट से ए दूरी है, ठीक, ये दोनों के बीच की दूरी बी है, ये दोनों के बीच की दूरी सी है, ऐसा, ठीक है क्या? ये ऐसी दूरियां हैं। अब मेरे को फटाफट बताते जाओ फेज डिफरेंस बिटवीन, मेरे को पहले बताओ जो पार्टिकल वन है, ठीक है क्या, द वेव इज ट्रैवलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऐसा, ठीक है क्या, द वेव इज ट्रैवलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना। अब मेरे को बताओ सबसे पहले कि क्या टू लीड करेगा कि लैग करेगा वन को? लैग ठीक है, टू लैग करेगा, थ्री लैग करेगा कि लीड करेगा फोर को? लीड करेगा, लीड हाँ, अब तो सीख गए सालो, इसलिए मजे ले रहे हो अब तुम, ठीक है, अभी मैं पहले आसान वाले देता हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा और मजे लूंगा मैं तुम्हारे, और रस लूंगा इसमें, तो मैं बहुत देर मजे ले सकता हूँ तुम्हारे, क्या तुम्हारी बुक एक्चुअली मेरे को परमिट नहीं कर रही है ज्यादा आगे जाने के लिए, लेकिन यहाँ देखो, लेट से मैंने इसका तुम्हें लेखा जोखा दे दिया, जो पार्टिकल नंबर वन है ना, उसका मैंने तुम्हें लेखा जोखा दे दिया, लेट से मैं वाई वन को बोलता हूँ ए साइन ओमेगा टी, ऐसा, तो मेरे को एक बात बताओ पार्टिकल नंबर थ्री के लिए ओमेगा क्या होगा? ए साइन ओमेगा टी माइनस अरे ओमेगा मूर्ख, बी बाय पहले वी। सवाल तो सुन ले, मैं पूछ रहा हूं पार्टिकल नंबर थ्री के लिए ओमेगा क्या होगा? ओमेगा कितना होगा? ओमेगा पार्टिकल थ्री के लिए ओमेगा कितना होगा? अरे यहां जो ओमेगा इस्तेमाल किया है, ये ओमेगा, अगर इसका ओमेगा है ना, तो पार्टिकल नंबर थ्री का कितना होगा? वही चाहूंगा सर, ओमेगा। वही होगा। क्यों वही होगा? कुछ अलग भी तो हो सर सकता है। ओमेगा सेम रहता क्यों नहीं, सेम सर रहता है? क्यों ओमेगा सेम सेम रहता रहता है? नहीं, क्यों सेम रहता है? ओमेगा कांस्टेंट क्यों नहीं? ओमेगा बिकॉज कांस्टेंट पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल। एंगुलर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट क्यों क्यों कांस्टेंट है? सर पार्टिकल्स आइडेंटिकल है इसलिए। पार्टिकल्स तो आइडेंटिकल है, उससे क्या, तो ओमेगा कैसे कांस्टेंट हो गया? बात सेम है ना सर। कुछ भी, अबे तुम्हें जो पहले 2 मिनट पहले जो बात बताई रहती है उसको तो तुम लॉजिक में ढाल नहीं पाते हो, है?
थोड़ा जल्दी ग्रास्प किया करो, जो इंपॉर्टेंट चीजें रहती है उसको समझा करो। तुम्हें समझ में उस वक्त नहीं आया था इसीलिए अभी भी नहीं बता पा रहे हो। अबे जो ऑसिलेट करने वाला जो पार्टिकल है, टू किसकी वजह से ऑसिलेट कर रहा है ये बता। वन की वजह से। हाँ तो वन का ओमेगा क्या है? ओमेगा। तो टू का भी ओमेगा क्या रहेगा? ओमेगा ही रहेगा। ठीक है, अगर बीच में कहीं कोई मतलब बाधा अगर नहीं है, किसी किस्म का कोई लॉस अगर नहीं हो रहा है, ठीक है क्या, मोशन के ट्रांसमिट होने में, तो अगर वन का अगर तुम्हारा एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मैं कहूँ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अगर वन के लिए अगर ओमेगा है तो टू के लिए भी ओमेगा ही रहेगी। क्लियर है? तो वन सब कुछ डिसाइड करता है, तो वन को मैं बोल सकता हूँ कि ऑसिलेटर है। ठीक है क्या, वन क्या है? ऑसिलेटर है। वन इज द ऑसिलेटर, समझ गए? वन इज द ऑसिलेटर। क्लियर है? वन इज द ऑसिलेटर। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, अभी मेरे को जल्दी जल्दी बताओगे फटाफट। पहले दिया बताएगी, फिर अमन बताएगा, फिर ब्रह्मा बताएगा। जल्दी जल्दी बताओ, वाई टू बोलो। दिया बताएगी पहले। वाई टू बताया। हाँ तो ए साइन ओमेगा, हाँ ए साइन ओमेगा टी माइनस फाइव आएगा ना। हाँ माइनस फाइव कितना होगा बोलो। एक मिनट, ओमेगा ए वेव स्पीड लेट से है तुम्हारी वी, ओमेगा ए बाय वी। ठीक है बोलो जल्दी जल्दी बोलो। y3 बोलो कितना होगा? a sin omega t minus omega omega b by v। ठीक है, तो इसी प्रकार अब वो खैर पूछना बनता भी नहीं है, ब्रह्मा तो बता ही देगा उधर। ये उसी तरह से ये चीज कितनी हो जाती है? माइनस ओमेगा c by v। इस चीज को मैं और कैसे लिख सकता था जनरलाइज्ड वे में, जैसे y3 को अगर मुझे लिखना होगा तो y3 को मैं ऐसा भी लिख सकता था, ए साइन है ना ओमेगा टी माइनस के एक्स, ऐसा भी लिख सकता था मैं। क्लियर है बात? ठीक है चीज। अच्छा तो इस चीज को ही एक्चुअल में सर के बी ए आएगा ना, के बी। ठीक है हाँ सर, बी आएगा ना के बी। ठीक है तो इसी चीज को कायदे से वेव इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है क्या, इसको इक्वेशन ऑफ सिंपल है ना ऐसा बोला जाता है इसी चीज को, इक्वेशन ऑफ, जैसे अगर एक पार्टिकल है ना तुम्हारे पास जनरलाइज, अगर मैं तुमसे कहूँ जैसे अगर मान लेते हैं एक वेव है ट्रैवल मार रही है, समझे क्या, लेट्स से एक वेव है ट्रैवल कर रही है, ठीक, तो उसमें अगर मान लेते हैं लेट्स से अगर एक वेव अगर अपने पास है, ठीक, वेव अगर मान लेते हैं मेरे पास ऐसी है, लेट्स से वेव इज समवॉट लाइक दिस, ऐसी वेव है अगर मेरे पास, ठीक है क्या, ऐसी वेव है मान लेते हैं, तो लेट्स से एट टी इक्वल्स टू जीरो है ना, ये जो मेरा पार्टिकल है ना, ये वाले पार्टिकल का मेरे पास वाई मेरे को दिया हुआ है ए साइन ओमेगा टी ऐसा, ठीक, और अगर मैं बोलता हूँ कि के मेरे पास वेव नंबर है ना, और मान लेते हैं टी टाइम पर मुझे एक पार्टिकल का लेट से अगर मुझे उसका वाई अगर लिखना है, जो कि मान लेते हैं यहाँ से एक्स दूरी पर है ऐसा, ठीक है क्या, द पार्टिकल एट पी है ना, ये पार्टिकल जो ओरिजिन पर है वही ऑसिलेटर है, वो ऑसिलेट मार रहा है ऊपर नीचे, ठीक है क्या, ऐसा ऑसिलेशन मार रहा है वो, और पार्टिकल जो भी अभी मेरा पी पर लोकेटेड है उसका अगर मुझे इक्वेशन अगर लिखना है तो वो मैं कैसे लिख सकता हूँ, वो मैं कैसे लिख सकता हूँ, अब कैसे लिखोगे? अच्छा मेरे को पहले तो एक ये बात बताओ, अभी तक के जैसे हम लोगों ने ये चीज पढ़ी है ना, इसको कौन क्रैक करेगा जल्दी से जल्दी करो, अभी जैसे हम लोग ये चीज पढ़े है ना, तुम्हारी बुक में एक्चुअल में इसके लिए ये दे रखा है ए साइन k
kx माइनस ओमेगा टी, तो तुम ये मुझे सोच के बताओ इसके लिए a साइन kx माइनस ओमेगा टी उसने कैसे दे रखा है, सही लिखा है उसने, ठीक है क्या? फटाफट मेरे को बताओ, अभी तक अपन ने ये पढ़ा ना, ये वाली चीज पढ़ी अपन ने, इसको स्टडी कर रहे थे अपन अभी तक के, ओमेगा टी माइनस के एक्स करके, नहीं कि पार्टिकल जो पी पर है ना उसका ये रहेगा करके। अब मेरे को तुम बताओ, जो अपने पास जो क्या बोलते हैं ये वाला जो पार्टिकल है, ये वाले पार्टिकल का जो हम लोगों के सामने एग्जांपल है, समझे क्या? इसमें जैसे वेव जैसी जिस तरह की बनाई हुई है ना, उसके लिए पार्टिकल एट पी, उसके लिए जब तुम वाई लिखोगे तब कैसा लिखोगे? वाई पी जब तुम लिखोगे तो ऐसा लिखना पड़ेगा, के एक्स माइनस ओमेगा टी, ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसमें क्या फर्क क्या है? सर वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, ये चीज उसकी कोई कठिन नहीं है वैसे, थोड़ा सा अगर सोचोगे तो पता चल जाएगा तुरंत। के एक्स प्लस ओमेगा टी भी तुम्हारे पास हो सकता है, के एक्स माइनस ओमेगा, खैर अभी ओमेगा टी माइनस के एक्स होगा कि क्या, मतलब वो चीज कैसे आई कैसे है उसके बारे में कोई बता सकता है क्या मेरे को? ज्यादा देर की नहीं, उसके बाद ये टॉपिक ही खत्म हो जाएगा एक्चुअल में, ये अगर तुमने जहां फोड़ दिया उतनी कोई कठिन बात नहीं है, इसका मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ। जो yp है ये ऐसा yp, इसने ऐसा क्यों लिखा है kx माइनस ओमेगा टी, उसने ऐसा क्यों लिखा माइनस ओमेगा टी, सॉरी ओमेगा टी माइनस kx, ऐसा क्यों लिखा उसने? वो लेफ्ट साइड में आ रहा है इसलिए नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ। हाँ नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ, क्या नेगेटिव एक्सट्रीम में को समझा नहीं तेरे को? ऐसे इस तरह से बता, कोई इतना कठिन नहीं है ये। हम लोगों की जो एक्चुअल वेव बनती थी वो याद करो किस प्रकार की रहती थी, वो ऐसा नीचे से ऊपर की तरफ बनती थी, मतलब इस तरह की रहती थी, याद रहेगा? जैसे एक वेव जब अपनी अपन ने बनाया था ना, तो ये इस तरह की वेव बनी थी अपनी, ठीक है, इस तरह की वेव बनी थी, याद आ रहा है? ये थी अपनी एक वेव, इस तरह की। ऐसा जरूरी है ना, मतलब वो पार्टिकल जब SHM करेगा तो हमेशा पहले पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ ही जाएगा? ना ना ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, और सही सोच भी रहा तू, फिर क्या हुआ होगा? मतलब किधर से भी चालू कर रहा है, जैसे इसमें अभी नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ पहले जा रहा, हाँ, फिर मीन पे, फिर पॉजिटिव, हाँ, ठीक, तो उसमें वेव कैसी बनेगी अपनी? ऐसी बनेगी सर जो आपने बनाया, अगर नेगेटिव की तरफ जाएगा वो पहले तो। हाँ तो ये अगर ऐसी वेव अगर तुमको बनानी है, ये वाली वेव अगर तुम्हारे को अगर कोई देता है, साइन वेव अगर इस तरह से अगर तुमको देता है कोई वेव, ठीक, तो उसका मतलब क्या है? वो पार्टिकल एक्चुअली पहले नीचे गया होगा, क्या ये बात तुम्हें समझ में आ रही है? वो पार्टिकल पहले नीचे गया, जो ये वाला ऑसिलेटर है वो पहले नीचे गया, ठीक है क्या? वो नीचे गया, देन ऊपर आया, फिर और ऊपर गया, फिर अपनी वापस नीचे पोजीशन पर आया, क्या ये बात पल्ले पड़ रही है क्या तुम्हारे? हाँ सर। हाँ, क्या ये बात पल्ले पड़ रही है तुम्हारे? नहीं सर। अरे इसीलिए, बिकॉज यहाँ पर देखो, ये तुम खुद से वैसे तो वर्कआउट करके देख सकते हो, वो वेव बनाना तो कोई कठिन बात है नहीं। देखो ये वाला जो पार्टिकल था वो पहले ऊपर गया, फिर वापस इधर, फिर ऐसा, और फिर इधर नीचे से ऊपर आया ना वो, तो देख रहे हो बाकी सारे सारे पार्टिकल्स उसको फॉलो कर रहे हैं किस प्रकार से, नीचे से ऊपर आया वो लास्ट में जब उसने अपना ऑसिलेशन कंप्लीट किया ना, जब पूरा पूरा, क्या मेरी बात तुम्हें समझ में आई? यहाँ वाला जो पार्टिकल है वो देखो नीचे से ऊपर आया है आखिरी अपने ऑसिलेशन में, क्या बात समझ में आ रही है? हाँ सर। है ना, समझ में आ रहा है? यहाँ देखो जो पार्टिकल है वो यहाँ से एक्चुअल में इधर आया है आखिरी आखिरी अपने, क्या बोल सकते हो, आखिरी अपने क्वार्टर साइकिल में, अपन ने क्वार्टर साइकिल के हिसाब से पढ़ा था, याद करो, टी बाय फोर में ऊपर, फिर टी बाय फोर में वापस मीन पोजीशन, फिर टी बाय फोर में एक्सट्रीम नेगेटिव, है ना, फिर उसके बाद अगले टी बाय फोर में वापस मीन पोजीशन, याद आ रही बात? बहुत ही एलिमेंट्री है ये चीजें, बहुत ही एलिमेंट्री, क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? यस सर। हाँ तो जो ये वाला पार्टिकल है ये अपने आखिरी क्वार्टर साइकिल में देखो ऊपर से नीचे की तरफ आया है, इसका मतलब इसने जब स्टार्ट किया होगा तब कैसे स्टार्ट किया होगा? पहले नेगेटिव एक्सट्रीम गया, फिर उसके बाद मीन पोजीशन, फिर उसके बाद ऊपर गया पॉजिटिव एक्सट्रीम, और फिर ऊपर से नीचे आया ये जो नीचे वाला वेव है, क्या बोल रहा हूँ, क्लियर है? तो
उसका जो वेव पैटर्न बना हुआ है ऐसा बना है। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हो? यस सर। हाँ ये जो फोर्थ सेक्शन आपने बनाया है वो तो मतलब ऊपर से नीचे आ रहा ना, मतलब इसमें जो आपने ग्रीन एरो को मतलब नीचे से ऊपर दिखाया है, बट वैसे फुट होगा वो ऊपर से नीचे आएगा ना? नहीं, वो पार्टिकल ध्यान रखना जो ऊपर वाला केस है, केस नंबर ए है ना, जो केस नंबर ए है उसमें स्टार्ट उसने जब किया तो बताओ पार्टिकल ऊपर गया कि नीचे गया? केस नंबर ए में नीचे गया। नहीं, यही तो तेरे को पता नहीं चल रहा है। वो पार्टिकल क्योंकि आखिरी जो उसका ऑसिलेशन है उसमें वो नीचे से ऊपर आ रहा है, इसीलिए इसका मतलब ये पक्की बात है कि उसने जब स्टार्ट किया होगा तब वो ऊपर गया होगा। समझे? नहीं समझ पा रहे हो इन चीजों में? नहीं। अरे एक मिनट ध्यान से सुनो, जैसे ए वाला केस अगर मैं देखूं तो उसमें जब पार्टिकल ने शुरू किया तब वो ऊपर गया, फिर उसके बाद वापस नीचे आया मीन पोजीशन पर, फिर उसके बाद और नीचे गया नेगेटिव एक्सट्रीम, एंड देन उसके बाद फिर नेगेटिव एक्सट्रीम से फिर वो आया मीन पोजीशन पर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर, पहले पॉजिटिव गया फिर मीन आया फिर नेगेटिव। हाँ इसमें ठीक है, वो कौन सा केस है बोलो, ए है कि बी है? ए। हाँ, आखिरी क्वार्टर साइकिल में मेरे को बताओ वो पार्टिकल नेगेटिव एक्सट्रीम से मीन पोजीशन आया या पॉजिटिव एक्सट्रीम से मीन पोजीशन आया? आखिरी बी वाले में? नहीं, ए वाले केस में लास्ट क्वार्टर साइकिल में जो पार्टिकल है ना ऊपर नीचे हो रहा है, वो आखिरी क्वार्टर साइकिल में नेगेटिव एक्सट्रीम से मीन पोजीशन आया। मीन पोजीशन पर तो आ गए, देखो मीन पोजीशन पर है, मीन पोजीशन पर तो है, मस्त बराबर। ठीक है क्या? मेरे को ये बता कि वो नेगेटिव एक्सट्रीम से मीन पोजीशन पर आया है या पॉजिटिव एक्सट्रीम से मीन पोजीशन पर आया है? नेगेटिव एक्सट्रीम से मीन पोजीशन पर आया। हाँ ठीक है, क्योंकि कल अपने पास यही वेव बनी थी ना, यही वेव बनी थी। क्लियर है? यस सर। हाँ, तो उसमें अपन ने पार्टिकल को पहले याद करो ऊपर भेजा था। अरे इतनी देर में तो मैं फिर से वो वेव बना के तुमको दिखा दिया रहता है यार। इतना तुमने मचमच कर दिया, ये अपन ने चार पार्टिकल बनाए थे याद करो, फिर उसके बाद क्या किया था, इसके बाद वाली कौन सी फेज बनाई थी कि जब वो पार्टिकल्स कैसा होंगे, वो पार्टिकल ऐसा, ये ऐसा बनाया था ना अपने, उसको पहले ऊपर भेजा, फिर उसके बाद क्या किया बोलो, फिर उसके बाद ये उसको वापस से नीचे लाए, फिर इसको ऊपर भेजा, ये दोनों अभी वैसी के वैसी हैं। नहीं, उसके बाद फिर क्या किया अपन ने, उसको नेगेटिव एक्सट्रीम पर लेकर आए, इसको वापस से मीन पोजिशन पर लेकर आया, फिर इसको ऊपर भेजा, ठीक, और उसके बाद फिर क्या किया अपन ने, इसको वापस से मीन पोजिशन पर लेकर आए, फिर अब ये नीचे, फिर अब ये यहाँ पर, ठीक है क्या, और उसके बाद फिर ये वाला पार्टिकल इधर, ऐसा ये किया था ना अपन ने। तो लास्ट में अपनी वेव कैसी बनी देखो, ये ऐसी ऐसी बन रही अपनी वेव। क्या बोल रहा हूँ मैं भी समझ गए, इस पार्टिकल का जो मोशन है, मोशन इज अबाउट टू स्टार्ट। क्या ये बातें समझ में आ रही है अभी? हाँ सर, अभी समझ गई। अबाउट टू स्टार्ट, अब ये जो वेव बनी है, अब तू मेरे को बता इसमें जो पार्टिकल है वो पहले किस तरफ गया है? देख, पार्टिकल पहले ऊपर की तरफ गया ना? हाँ सर। ठीक है, अब यही वेव अगर तुम बनाओगे, पार्टिकल अगर पहले नीचे की तरफ जाएगा तो वेव कैसा दिखेगा बता, ए जैसा दिखेगा कि बी जैसा दिखेगा? मतलब वो नीचे जाएगा तब ना? हाँ, जब वो नीचे जाएगा तब, स्टार्टिंग में ही ना? हाँ, स्टार्टिंग में बी जैसा दिखेगा। बी जैसा दिखेगा। क्या ये मेरे को पूरा फिर से बनाने की जरूरत है क्या? नहीं नहीं नहीं, समझ गई। यहाँ इस डायग्राम से ये कैसे समझ में आ रहा है, कोई बता सकता है मेरे को डायग्राम से कैसे समझ में आ रहा है? हाँ सर, जब फर्स्ट पार्टिकल जो है मतलब वो जब अपने मेन पोजीशन पे होगा तो सेकंड वाला अपने नेगेटिव एक्सट्रीम पे होगा और जो थर्ड है वो मेन पे अरे होगा। कॉम्प्लिकेटेड भाषा में मत बोल, यहाँ इस डायग्राम से कैसे समझ में आ रहा है? अबे इसके पीछे वाले पार्टिकल्स को देखो ना तुम, कि वो उसको कैसे फॉलो कर रहे हैं। इसके पीछे वाले पार्टिकल्स को देखना, नीचे से ऊपर आ रहे हैं, नहीं दिख रहा है तुमको? नीचे से ऊपर अभी भी आने के हैं क्या? नहीं दिख रहा है तुमको, इतने बड़े वाले हो क्या? ये दिख रहा है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन यहाँ, ऑल द पार्टिकल्स है ना, ऑल द पार्टिकल्स फॉलोइंग द ऑसिलेटर है ना, येट टू रीच द मीन पोजिशन, है ना, आर ट्रैवलिंग फ्रॉम नेगेटिव एक्सट्रीम, है ना,
टू मीन पोजिशन, क्या नहीं दिख रहा क्या तुमको? जो सारे के सारे जो पीछे से जो पार्टिकल आ रहे हैं उसके दिख रहा है क्या? ये जो सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं वो नेगेटिव एक्सट्रीम से फॉलो कर रहे हैं ना उस पार्टिकल को? हाँ सर। हाँ तो यहाँ ऑब्वियसली दिख रहा है कि आखिरी वाले साइकिल में वो पार्टिकल नीचे से ऊपर आया है, इसका मतलब, ठीक, इसका मतलब जब उसने स्टार्ट किया होगा तब वो पहले ऊपर गया होगा, तभी तो ऊपर से नीचे आया, फिर उसके बाद नीचे से फिर वापस ऊपर आएगा, तभी तो एक ऑसिलेशन पूरा होगा। लास्ट वाले क्वार्टर साइकिल में अगर वो ऊपर से नीचे आया है, इसका मतलब वो पहले क्वार्टर साइकिल में ऊपर से यानी वो मीन पोजीशन से फिर नीचे गया होगा, उल्टा किया होगा ना उसने वो काम, ठीक है? जैसे अगर तेरे को बोला जाए कि टू एंड फ्रो पूरा एक मोशन करना है, मैं बोलता हूँ तेरे को एक पेंडुलम है ऐसा, ये पेंडुलम क्या है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है ना, इसका देख क्वार्टर साइकिल एक कैसा हुआ, यहाँ से यहाँ गया, फिर अगला क्वार्टर साइकिल कैसा हुआ, यहाँ से यहाँ आया, अगला और एक क्वार्टर साइकिल कैसा हुआ, यहाँ से यहाँ गया, उसके बाद अगले क्वार्टर साइकिल में वो वापस यहाँ पर आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और अगर मैं तुमसे बोलता हूँ कि आखिरी क्वार्टर साइकिल में वो यहाँ से यहाँ आया है, आखिरी क्वार्टर साइकिल में वो यहाँ से यहाँ आया, तो बताओ उसने स्टार्ट कैसे किया होगा, बोलो? तो तुम ये नहीं बोलोगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, उसने ऐसा स्टार्ट किया होगा, तभी तो आखिरी क्वार्टर साइकिल में वो यहाँ से ये लेफ्ट से राइट आ रहा है। क्या मैं बोल रहा हूँ समझ रहे हो? हाँ सर। हाँ तो ये सब हटाओ बकवास, अभी मेरे को बताओ जो मेन मुद्दे की बात है, जल्दी बताओगे थोड़ा है ना, जल्दी बताओ मेरे को मेन मुद्दे की बात क्या है, जल्दी बताओ, पट्टे पट्टे बताओ। अगर ये वेव है इसका, ये वेव का अगर अपन ने ये ऐसा लिखते हैं y बराबर a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, ऐसे लिखते हैं ना, ये किसके लिए लिखते हैं अपन, p के लिए, समझे? p कहाँ है बोलो, बोलो कहाँ है p, p यहाँ पर है कहीं पर, x की दूरी पर है p, है ना, ये रहा p, ऐसा लिखते हैं कि नहीं लिखते? ऑसिलेटर से अगर p x दूरी पर है बोलो तो कैसे लिखते हैं अपन, वाई पी कैसे लिखते हैं, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ऐसा लिखते हैं, ठीक है? तो इसमें कुछ वाई, yes, sir. हाँ तो अब बोलो मेरे को, अगर यहाँ पर x दूरी पर अगर एक और एक p लोकेटेड है, वेव दूसरी है अभी बाबा, वेव दूसरी है, तो बोलो वाई पी कैसा लिखेंगे और क्यों लिखेंगे, बोलो, कोई जल्दी से बता सकता है मेरे को, ज्यादा देर का नहीं है ये, बताओगे तो तुम ही, लेकिन कुछ तो भेजा लगाओ। a sin kx minus omega t, प्रभु ये तो सबको पता है कैसे आया ये तो सब जानते हैं kx minus omega t होगा, एक माइनस साइन आ जाएगा। कैसे कैसे समझाओ इस तरह से कि जैसे किसी एक बच्चे को भी समझ में आए, जल्दी। हाँ बोलो, सर क्योंकि पार्टिकल जो है वो पॉजिटिव एक्सट्रीम से मीन की तरफ आ रहा है। तो क्या हो गया बे, पॉजिटिव एक्सट्रीम, तो टोपी मत पहना साले, जल्दी बताओ मेरे को ढंग से। सर वो पी नेगेटिव एक्सट्रीम में जा रहा है, इसलिए नेगेटिव एक्सट्रीम में जा रहा है, मतलब नहीं उसके पीछे के जो भी पार्टिकल जो दिख रहे वो नेगेटिव साइड जा रहे हैं। देखो एक पहली बात तो एक चीज ये कि जो इसने दरअसल एक्चुअल में इसने जो ये एक्स इक्वल्स टू जीरो, एक मिनट नहीं, ठीक है तुम सोचो सोचो तुम सोचो, मैं कुछ और सोच रहा था, ठीक है? मेरा मेरे को कोई इशू नहीं है, जल्दी सोच के बताओ मेरे को, तुरंत दो मिनट का काम है, एट द मोस्ट पांच मिनट।
देखो कल जो हमने काम किया है उसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक? या फिर जो मॉडल तुम्हारे सामने आया ट्रांसवर्सिव वाला, कुछ गड़बड़ नहीं है। पर मैं तुम्हें एक मजेदार बात बताता हूँ, एक तरह से मैं तुम्हारा काम थोड़ा सा और बढ़ा रहा हूँ, इस पर तुम सोचोगे। अभी मेरे पास एक्चुअली वक्त हो गया है खत्म, ठीक? अगर इस चीज में मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा तो मेरे को एक्चुअली सवाल वगैरह कराने थे, लेकिन मेरे को ये नहीं पता था कि इतनी छोटी सी बात में मेरे को इतना 1 घंटा लग जाएगा, और है ना 1 घंटे से ऊपर ही हो गया है, ठीक है क्या? खैर, लेकिन इतना तुम्हें खुद से सोचना आना चाहिए, थोड़ा तो मतलब करो। उसमें सारे नियम कायदे वगैरह मैं तुम्हें बनाकर दे रहा हूँ, पूरा सब कुछ पूरा। और ये चीज़ बहुत ही आसान आसान सी है, हर सेक्शन एकदम आसान आसान सा है। और अगर वीडियो बनाने का अगर मेरे ऊपर कोई लोड नहीं है तो ये चीज़ें एकदम स्पीड में अपन गो थ्रू करेंगे बढ़िया बराबर तेजी से, ठीक है क्या? लेकिन इतना तुम्हें सोचना आना चाहिए, थोड़ा सा कुछ तो मतलब करो, ठीक है क्या? आज उर्वशी ने जहाँ तक तुम्हारे टेस्ट नहीं रखे हैं आज के दिन के लिए, जहाँ तक मुझे पता है, अगर बाद में उसने रख बताया गया उसने कुछ ऐसा, क्योंकि कल ही उसने मुझे ये चीज बता दी थी वैसे, अगर उसने अभी तक नहीं बताया तो शायद वो तुम्हें बता देगी, या फिर पता नहीं। सर बताया है। अच्छा, बताया गया, मुझे ऐसा लग रहा था कि फिर हो सकता है आज उसने फिर टेस्ट ले लिया हो बाद में, ठीक है क्या? मतलब पेपर बना लिया हो सकता है, ठीक है, मुझे नहीं पता, कल उसने मुझे बताया था वैसे ये चीज, ठीक है। तो अभी एक्चुअल मेरे पास वक्त हो गया है खत्म, समझे? तो मैं उसमें थोड़ा सा तुम्हारे लिए काम एक्चुअली और थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा देता हूँ, हल्का सा। फिर तुम भी जानते हो कि ये सवाल कितनी देर टिकते हैं, जो सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं और जो अनसॉल्व वाले हैं, तुम्हें पता है ना इनका स्तर क्या है। हाँ, तो उसको तुम बड़े मजे से फिर बनाते भी हो, लेकिन कॉपी जब तक चेक नहीं कराओगे तब तक के तुमको सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, तब तक के पता नहीं तुम पर क्या ऐसा किसी ने काला जादू किया है कि जब तक तुम उसमें मुझसे बातचीत ना कर लो हर सवाल पे, चाहे कितने चिंदी खोर सवाल क्यों ना हो, है ना? वरना फिर फिजिक्स में तुम 0000 एग्जैक्ट लेकर आते हो पता नहीं क्यों। तो वो मुझे कोई उसमें दिक्कत नहीं है, वो मेरी ही जिम्मेदारी है एक्चुअली, मुझे पता है वो चीज़ मुझे ही उठानी है, ठीक? लेकिन इसमें इतना तो भाई आना चाहिए करके कम से कम सोचने को, वरना तो वो क्या मैं बोलूँ। तो उसमें कुछ गड़बड़ नहीं है, लेकिन देखो मैं तुम्हें बताता हूँ इशू क्या आ रहा है, तुम्हारे लिए इशू बढ़ रहा है। देखो कैसे, ध्यान से, अगर तुमने जो ए वाला कर्व है उसको ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स अगर लिखा, तो जैसे यहाँ देखो प्रॉब्लम क्या है, ठीक है? प्रॉब्लम है ना, इसको मैं बताता हूँ तुम्हें, प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या है, इस पर तुम सोचोगे, समझे क्या? सोच के रखना। जैसे वेव अगर ऐसी है और इसको अगर मैंने ऐसा लिखा, मान लेते हैं यहाँ वाले को लिखा ओ और ये लिखा मैंने पी, ऐसा पी वाला कितनी दूरी पर है, एक्स दूरी पर है, ऐसा पी वाला जो पार्टिकल है वो एक्स दूरी पर है, ऑसिलेट मार रहा है, ओ वाला जो पार्टिकल है वो भी ऑसिलेट मार रहा है। तो ओरिजिन पर जो पार्टिकल है उसका अगर मैंने दिया ऐसा, समझे? और फिर मैं ये बोल रहा हूं कि जो ये पी वाला पार्टिकल है उसका होगा ऐसा, है ना? ऐसा मेरा लाइन ऑफ लॉजिक है, ठीक? तो क्या ये बात सही है क्या? क्योंकि अगर ऐसा होगा तो तुम यहां पर देखो, जो टी इक्वल्स टू 0 है उस पे तो चलो y इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, ये कर्व से भी मेरे को मिल रहा है, ऊपर वाले कर्व से मिल रहा है, ठीक? बट जैसे ही t कुछ पॉजिटिव होगा y की वैल्यू तो पॉजिटिव आनी चाहिए, ठीक है? तो इसमें क्या ऐसा दिख रहा है क्या तुमको? या फिर क्या नहीं दिख रहा है, या फिर कैसा क्या? ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है क्या? एक्स बेसिकली वो दूरी है, मतलब जो ओरिजिन जहां पर भी है वहां से आगे दूरी है, वो दूरी एक्स एक्सिस पर टाइम नहीं है। तो इसमें क्या तुम्हें वो चीज नजर आ रही है कि अगर टी अगर थोड़ा भी अगर टाइम अगर पॉजिटिव हुआ तो वो पार्टिकल की जो वाई वाली पोजिशन होगी वो पॉजिटिव होगी, ऐसे होगी। क्यों होगी कोई बता सकता है क्या? क्योंकि इसके बाद वो जो पार्टिकल है वो ऊपर ही तो जाएगा, सही बात तो है, ऊपर ही तो जाएगा ना,
क्या बोल रहा हूँ, क्लियर है? ऊपर ही तो जाएगा वो। यस सर। हाँ तो ये तो खैर इसमें तो खैर कोई इशू नहीं, मैं एक्चुअल में इसी चीज को थोड़ा अच्छे तरीके से पूछ नहीं पाया तुमसे, और इसको मैं थोड़ा सा घुमा के एक्चुअल में पूछने वाला था इस चीज को तुमसे। वरना एक व्यक्ति को ऐसा लग सकता है ना जैसे सर नहीं नहीं करके, जैसे ये आगे आप अगर एक्सिस में अगर देखो तो यहाँ तो कोऑर्डिनेट अपने को कैसा नेगेटिव दिख रहा है, तो उसमें मेरा ये पूछने वाला था एक्चुअल में कि ये जो एक्सिस है वो एक्चुअल में टाइम वाली एक्सिस नहीं है, वो एक्स वाली एक्सिस है। दो वेरिएबल है ना अभी तुम्हारे पास, टाइम भी वेरी कर रहा है एक्स भी वेरी कर रहा है, समझे? तो मैं उसमें यही पूछने वाला था एक्चुअल में कि उसमें हो सकता ना एक व्यक्ति ऐसा बोले कि हाँ सर यहाँ पर देखो यहाँ पर तो नेगेटिव दिख रहा है, तो ए साइन ओमेगा टी नहीं होगा, माइनस ए साइन ओमेगा टी होगा, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा उसमें, अगर तुम देखो तो जो पार्टिकल है एट ओ, जैसे ही उसमें टाइम बढ़ेगा, टी इक्वल टू जीरो पर तो ओरिजिन पर है, जैसे ही टाइम कुछ होगा 0.01 सेकंड हो गया, तो उसके बाद वो देखो ऊपर ही जाएगा, और वही चीज ये बता भी रहा है, ठीक है, वही चीज ये बता भी रहा है ना। तो इशू क्या है फिर, वो जो उसने जो डायग्राम दिया है क्या उसमें फिर क्या पता फिर कैसा, देखो उसका डायग्राम, देखो उसका डायग्राम देख रहे हो, उसका डायग्राम देख रहे हो क्या? सर उसने उल्टा लिया है। क्या उल्टा लिया? नहीं तो यहां पर, अरे भाई इसमें कोई एक्चुअल में इशू वाली बात है ही नहीं, समझे क्या? ऐसा कोई इशू वाली बात है ही नहीं एक्चुअल में। मैं उस चीज़ को सॉर्ट आउट करके फिर उसके बाद अभी क्लास ओवर करनी पड़ेगी। मेरा ये मन था, बड़ी इच्छा थी कि मैं न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व, एग्जांपल्स भी कर डालूं, लेकिन फिर क्या है कि ऊपर नीचे हो जाएगा सब, समझे क्या? तो एक्चुअल में इसमें कोई इशू की बात ही नहीं है, ठीक, वो फालतू का एक्चुअल में मतलब। देखो यहाँ पर बस समझने वाली बात क्या है कि जैसे ये चीज़ अगर तुम्हारे सामने लिखी है तो दिक्कत क्या है इसमें, ठीक तो है सब ये, इसमें तो कहीं कोई इशू नहीं है ना। ये ए साइन ओमेगा टी, ये ऐसा इस तरह से ये कर्व जैसे अगर लिखा हुआ है, ठीक है, और वाई पी तुम्हारे पास ये इस तरह से ऐसा काम किया हुआ है, तो इसमें तो कहीं कोई इशू नहीं है। जो पार्टिकल एट पी है ना, इफ द वेव इज ट्रेवलिंग टुवर्ड्स राइट, है ना, वेव स्पीड तुम्हारे पास ऐसी है, दिस इज वेव स्पीड, पॉजिटिव डायरेक्शन में वेव स्पीड, ठीक है, क्या वेव स्पीड ऐसी है, ठीक, दिस इज वेव स्पीड, ऐसा है। वेव टू द राइट अगर ट्रेवल कर रही है तो इसका मतलब राइट आने वाले जितने भी पार्टिकल रहेंगे वो लैग करेंगे, ठीक है क्या? दिस पार्टिकल, पार्टिकल P lags, है ना, the particle at O, समझ गए? ठीक है बात, जो particle at P होगा वो lag करेगा particle at O को, clear है बात? अच्छा, तो बस उसके बाद तो ये पूरा का पूरा discussion अपना clear था, कितने से lag करेगा वो? x दूरी पर अगर पार्टिकल p है तो वहां तक वेव को पहुंचने में x by v टाइम लगेगा, तो इतनी देर में पार्टिकल एट ओ वो कितना एंगुलर डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा, उसका जो रेफरेंस पार्टिकल है ओ डैश वो कितना एंगुलर डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा, ओमेगा x by v, इतने से ही वो एक्चुअल में जो पार्टिकल एट p है वो इतना ही लैग मारेगा, समझे क्या? अगर एक दूसरा अगर पार्टिकल होता जो कि मान लेते हैं लेट से x1 दूरी पर है, यहां से x1 दूरी पर है, तो जो x1 दूरी पर जो पार्टिकल है उसको उसको कितना लैग रहता उसके लिए, वो वाई क्यू इसको अगर मैं बोल देता हूँ, यहाँ पर एक पार्टिकल है मान लेते क्यू, तो वो कितना लैग उसका रहता, उसका लैग रहता ओमेगा टी माइनस के एक्स वन, उसका ये लैग रहता, समझे क्या? है ना, अच्छा, तो ये तो अपने को पता है बड़े अच्छे से, ठीक है, इसमें तो यहाँ तक तो अपना कहीं कोई इशू नहीं है, तो ये सब मैं हटा देता हूँ, ठीक है, इसकी कोई नीड नहीं है। जो एक्चुअल में उसने जो डायग्राम बनाया है ना, ये सब की कोई नीड नहीं है, उसने जो डायग्राम बनाया वो भी तो सही है, वहां देखो क्या उसने लिखा कैसा है, ये अगर वेव अगर ऐसी है इसका मतलब मेरे को ये बताओ, उसने बस एक ही चीज वहां पर गड़बड़ फोड़ी हुई है, ठीक है क्या, वो चीज थोड़ा अच्छी नहीं लग रही मेरे को एक्चुअल में। अगर तुम देखो, ठीक है, उसने क्या लिखा है, देखो वाई एक्स टी एक्चुअल में उसने लिखा है ए साइन ओमेगा टी, समझ रहे हो क्या? वो साले ने कचरा कर दिया वहां पर, ठीक है क्या, वो उसने कचरा कर दिया है, बताओ इसमें क्या गलत है उसकी तरफ से, ये ठीक नहीं किया उसने, दिस इज इनकरेक्ट, इसमें क्या गलत है, ये दिस इज इनकरेक्ट, इस वेव के लिए ऐसा नहीं हो सकता, उसने बोला भी है कि पार्टिकल एट ओ, समझे क्या? अब मेरे को बताओ
है ना, पार्टिकल है तो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, साले थोड़ा सा भी टाइम अगर बढ़ेगा तो पार्टिकल तो और नीचे जाएगा ना। अबे क्या बोल रहा, समझ रहे हो क्या तुम? तो टाइम के y x t फॉर पार्टिकल एट ओ, ऐसा लिख दिया साहब ने, ठीक है क्या? मेरे को बस एक चीज बताओ, क्या सही है या गलत है, तुम्हें क्या लगता है? गलत है तो क्यों लगता है कि गलत है, सही है तो क्यों लगता है सही है? यहाँ पे महाराजा ने कांड करके रखा है तुम्हारी किताब ने, समझे क्या? गंदा कांड है वो, बहुत ही एलिमेंट्री कांड कर दिया इसने, छापा होगा कहीं से, खैर जान दो। सवालों का सिलेक्शन वगैरह फिर भी इसका अच्छा है, उसमें कोई शक नहीं है मुझे, ठीक है। लैंग्वेज वगैरह भी अच्छी है, पर क्या तुम्हें लग रहा है बहुत ही ट्रिवियल सी मिस्टेक है इसकी? क्या मिस्टेक है कोई बता सकता है क्या? तुरंत जल्दी से बताओ। मेरे को बस इतना बताओ, ये पार्टिकल अभी टी इक्वल्स टू जीरो पर मीन पोजिशन पर है, टी इक्वल्स टू 0.001 सेकेंड पर कहां पर होगा? एकदम मिली माइक्रो सेकेंड पर, जैसे ही वक्त बीतेगा, जैसे टी स्टॉप क्लॉक तुमने शुरू की तो मीन पोजिशन से चला, अब किस तरफ चलेगा ये बस इतना बता दो मेरे को। अभी जो इसकी पोजीशन है वहां से किस तरफ जाएगा वो? सर नेगेटिव पॉजिटिव एक्सट्रीम, एक्सट्रीम की तरफ, पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ नेगेटिव जाएगा? एक्सट्रीम, एक्सट्रीम कौन बोल रहा है पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जाएगा? सर ग्राफ तो ऊपर ही जा रहा। वही तो मैं बोल रहा हूँ, वही तो लोचा है तुम्हारे ग्राफ रीड करने में। ग्राफ ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है, ये सारे के सारे पार्टिकल्स हैं एक्चुअल में, ये सारे के सारे पार्टिकल्स हैं, सारे के सारे पार्टिकल्स हैं, समझ रहे हो अब? तो अगर जो पार्टिकल जस्ट टू द राइट ऑफ पार्टिकल एट ओ है, वो बताओ किधर से किधर आ रहा है? वो नीचे से ऊपर गया है कि ऊपर से नीचे आया है? ऊपर से नीचे आया है, ऊपर से नीचे आया ना वो, तभी तो और नीचे आएगा वो, क्योंकि ये तो नीचे पहुंच चुका है ना ऑलरेडी, ये तो ऑलरेडी नीचे पहुंच चुका है। वेव अगर राइट में ट्रेवल कर रही है ना, वेव अगर राइट में ट्रेवल कर रही है, मेरे को बताओ वेव स्पीड ऐसी है, ठीक है। तू मेरे को एक बार बता, अगर ये पार्टिकल इस पोजीशन पे होता ना, ऐसा ये पार्टिकल एट ओ मान लेते हैं, ऐसा इस पोजीशन पे होता, और अगर एक दूसरा पार्टिकल उसके टू द राइट अगर वो ऐसा होता, इसका मतलब फिर क्या रहता मामला? कि ये वाला जो पार्टिकल है तो मीन पोजीशन तक पहुंच चुका है, उसके पीछे वाला जो पार्टिकल है वो पहुंचने का है, इसका मतलब ये पार्टिकल नीचे से ऊपर आया है कि ऊपर से नीचे आया है, इतना बताना तो मेरे को। नीचे से नीचे से ऊपर। ऊपर आया है। हाँ कैसे पता चला? क्योंकि उसके बाजू वाले को देखो ना तुम, वो अभी भी पहुंचने का है और वो नीचे से ऊपर जा रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब ये नीचे से ऊपर महाशय ये जा चुके हैं पहले ही, समझे? ही हैज अचीव्ड मोक्ष, समझे क्या? उसको तो मोक्ष मिल गया है, इसको मोक्ष अभी मिलने का है बेचारे को, जिसपे मैंने क्रॉस लगाया। क्या बात तुम्हारे समझ में आ रही है? ठीक, यस सर। उसके बाजू वाले पार्टिकल की पोजीशन देखना तू कैसी है, ये बता मेरे को, ये कहाँ से आ रहा है? ये जो महाशय है ये है ना, ये ए है ना, इसको पार्टिकल को, हाँ इसको अगर मैं ए बोलता हूँ, इसको बी बोलता हूँ मान लेते हैं, तो बी वाला जो है वो अभी नीचे आने का है, और ए वाला जो पार्टिकल वो नीचे आ चुका है, तो नीचे आ चुका है, तो नीचे आ चुकने के बाद मीन पोजीशन पर वापिस से मीन पोजीशन से रिवर्स लेगा क्या पार्टिकल? ऐसा होता है क्या SHM? मेरे को याद आता, अगर पॉजिटिव एक्सट्रीम से मान लेते मीन पोजीशन तक आया, तो उसके बाद मीन पोजीशन से नेगेटिव एक्सट्रीम कौन जाएगा बाबा? ऐसा थोड़ा होता नहीं है, पॉजिटिव से मीन आया, फिर मीन से वापिस पॉजिटिव एक्सट्रीम जा रहा है, ये कैसा SHM है? क्या अब तुमको समझ में आ रही है उसका सियापा क्या हुआ है, कहाँ हुआ है? क्या तुमको ये बात समझ में आ रही है, क्या लोचा मारा है उसने? हाँ सर। ठीक है क्या, इसको क्या बोलोगे? फॉर पार्टिकल एट एक्स इक्वल्स जीरो, क्या ये ए साइन ओमेगा टी, ये क्या ठीक लिखा है क्या उसने? ये गलत कर दिया उसने, ठीक है क्या, ये ऐसा नहीं होगा। और अगली ही लिखी इक्वेशन में उसने अपने आप को खुद सही भी, मतलब उसने अपने आप को गलत और एक बार साबित कर दिया। देखो उसने जो इक्वेशंस लिखी वो बिल्कुल ठीक है, जो ग्राफ एक्चुअल बनाया वो गलत है, जो ग्राफ ग्राफ जो बनाया वो एक मिनट, वो भी ठीक है, ग्राफ जो बनाया वो भी ठीक है, बस उसने जो वाई एक्स टी लिखा है ना, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉइंट नंबर वन, रीडिंग बिटवीन द लाइंस, पेज नंबर ये है 249, 239,
ठीक है, तो बड़े ध्यान से सुनो फटाफट, अब इसको ओवर करते हैं। कुछ ऐसा बड़ा मुद्दा था नहीं वैसे, कभी कभार हो जाता है या फिर जैसा भी, ठीक है क्या? या फिर अगर कोई इसको दूसरे तरीके में देख पाया तो मेरे को बताना, ठीक है क्या? खैर तो यहाँ देखो, उसके बाद देखो उसने क्या लिखा है। जहां उसने लिखा ना, रीडिंग बिटवीन द लाइंस पढ़ो, सबने बुक ओपन की हुई है? हाँ सर। हाँ, तो एक सेकंड, ठीक है। तो उसमें देखो उसने क्या लिखा है, वाई इक्वल्स टू, है ना, वाई इक्वल्स टू ए साइन, ये लिखा ना उसने, के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये लिखा उसने। तो मेरे को बताओ, एक्स इक्वल्स टू जीरो पर मेरे को एक पार्टिकल का SHM इक्वेशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? एक्स इक्वल्स टू जीरो पर मेरे को एक पार्टिकल का ऊपर नीचे वाला मोशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। तो एक्स इक्वल्स टू जीरो पर जब तुम रखोगे तो क्या मिलता है तुमको, ए साइन माइनस ओमेगा माइनस टी। ओमेगा अब ये सही, मैं इसको मानू कि अब इसको सही मानू, अब तुम बता लो मेरे को, है किसको सही मानू? पहले तो तुम बोले हो कि साले ए साइन ओमेगा टी लिखे हैं, और उसके बाद फिर यहाँ कुछ अलग ही गंदा मचा रहे हो। ये ठीक है, ये ठीक लिखा है उसने, समझे? उसके हिसाब से तो ये आ रहा है ना, क्या मेरी बात पल्ले पड़ रही क्या कुछ? यस सर। ठीक है, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है, नहीं जमा, हाँ जमा नहीं जमा मैं गधेड़ो, सर। ठीक है क्या? तो उसको थोड़ा संभाल लेना। तो इसको अभी जो पढ़ा तुमने उसको मैं थोड़ा सा तुम्हें अगर समराइज करूं, उसके आगे भी एक्चुअल में कुछ चीजें मुझे तुम्हें बतानी थी, लेकिन अब वक्त खत्म तो खैर हो ही चुका, अब तो लिमिट भी क्रॉस हो गई। 1 मिनट, तो यहाँ देखो, अगर वेव ऐसी है तो बोलो पार्टिकल एट ओ, बोलो उसके लिए क्या करोगे, जल्दी बोलो। समरी, पार्टिकल एट ओ उसके लिए क्या बोलोगे, बोलो। अरे बोलो सालो, जल्दी बोलो। वेव इज ट्रेवलिंग टुवर्ड्स राइट विथ वेव स्पीड वी, एंगुलर वेव नंबर के, बोलो कौन बोलेगा? साइन ओमेगा टी। बस, तो इतना टाइम काहे लगाया बे। हाँ अब बोलो, ये बोलो इसके लिए, बोलो एक्स दूरी पर है ना, ते पार्टिकल है पी, पी को अपन लिखेंगे व्हाइट पेन से ऐसा, ठीक है क्या? तो अब बोलो ये कितना होगा, बोलो। ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ऐसा क्या मैं बोल रहा हूँ, क्लियर है? हाँ सर। हाँ, इसके लिए बोलो, हाँ बोलो वाई ओ कितना होगा, बोलो। इसके लिए वही सब कुछ है, माइनस ए साइन ओमेगा अब बोलो इसके लिए, ये मानते हैं पी पॉइंट है, वही पुरानी कहानी, एक्स दूरी पर लोकेटेड है वो से। हाँ अब बोलो वाई पी, इसको ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। इसको ठीक है, चलो पाए वाई का लफड़ा क्यों पाले, ऐसे ही कर लेते हैं, इसको अंदर घुसेड़ लो ना, ए ऐसा अच्छा नहीं लग रहा साला, वो माइनस बाहर रखा हुआ, माइनस ओमेगा टी कर लो इसको ऐसा। हाँ फिर से बोलो क्या करें अब, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। अच्छा अभी जो वो के एक्स सामने आ गया है, अब कैसे, अभी कैसे बोलोगे उसको, वो के एक्स कहाँ से आ गया सामने? कायदे से तुमको क्या बोलना चाहिए था फिर, कि वो जो पार्टिकल माइनस ए साइन ओमेगा टी माइनस। है, हाँ नहीं तो वो फिर अभी कैसे, अभी तो वो लफड़ा आ रहा है, वो के एक्स माइनस ओमेगा टी कहाँ से आ रहा है, अभी तो उसमें फेस जुड़ गया है फिर, इसका मतलब, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? इतना इतना सर सोच, इसमें भी ओमेगा टी माइनस के एक्स ही आएगा ना, क्योंकि वो जो पार्टिकल पी है वो तो लैग करेगा ना। हाँ तो फिर वो के एक्स माइनस ओमेगा टी उसने क्या लिखा हुआ है, कौन समझा रहा है उसको, जल्दी बताओ उसने कैसे लिखा हुआ है के एक्स माइनस ओमेगा टी? के एक्स माइनस ओमेगा टी उसने कैसे लिखा?
अरे क्या कर रहे हो यार, कैसे लिखा उसने के एक्स माइनस ओमेगा टी क्या रिप्रेजेंट करता है? सर उसने फेज ऐड कर दिया उसने। हाँ, क्यों, क्या, कैसे, समझाओ मेरे को। क्या एडवर्ड, क्या क्यों कर दिया, क्या ऐड, क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया, कि ऐड ही किया है कि सब्ट्रैक्ट ही किया है, बताओ जल्दी जल्दी बताओ। एक मिनट रुको, सर मैं इसका मतलब वो जो है पी जो है उसका एसएचएम पहले हो रहा है, वो पार्ट ओ से पहले हो रहा है उसका। अरे ऐसा है क्या? तो तुम 2 मिनट इस पर सोचो, है ना, मुझे थोड़ा सा सेटअप करने दो, 2 मिनट तुम सोचो जरा। अभी तक तो क्या है कि मैं हमेशा तुम्हें तकलीफ से मैं तुरंत निकाल लेता हूँ, अभी तुम्हारे ऊपर थोड़ा सा सोचने की बात आई है तो सोचो। अगर तुम सही उत्तर दे दोगे तो फिर मैं हूं ईयरफोन लगाकर, वरना फिर अभी तुम्हारे सोचने की बारी है थोड़ी। तो ठीक है, सोचो सोचो। सर वेव वेव का प्रोपोगेशन अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। नहीं ये ठीक नहीं है, वेव एक्चुअल में टुवर्ड्स राइट ही ट्रेवल कर रही है, ठीक, इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये तो इतना तो मैं बता ही सकता हूँ। बोलो। सर इसका मतलब शायद वेव राइट टू लेफ्ट ट्रैवल कर रही है। वे राइट टू लेफ्ट? नहीं ना, वे बोला ना ब्रह्मा ने अभी, ब्रह्मा ने बोला, किसने बोला, ब्रह्मा ने बोला ना अभी। अबे यार क्या यार, तुम हद होती है यार, राइट टू लेफ्ट पे भी आते हैं ना रे, आते अभी थोड़ी देर में, साले टाइम ही तो खत्म कर दिया तुमने, आते आ जाते अभी थोड़ी देर में, जल्दी बोलो, पर इतनी देर में तो हो जाना चाहिए, मैं 2 मिनट और देता हूँ तुम्हें। सर बुक की इक्वेशन सही है क्या? सर अरे तुम बताओगे ना मेरे को कि क्या मामला कैसा है, मुझसे ही हेल्प ले लेंगे अगर निकालोगे तो फिर क्या मतलब है, फिर थोड़ा सा उस पर सोचो, कोई उतनी ज्यादा बड़ी बात नहीं है, और उस पर ऐसा भी नहीं है कि 20-25 मिनट सोचने वाला कुछ ऐसा है, ठीक है, दो दो 4 मिनट तो तुम्हें सोचना चाहिए, ठीक है, तो 2-3 मिनट के बाद हम लोग फिर बातचीत शुरू करेंगे, तब तक सिर्फ तुम और तुम्हारा दिमाग, ठीक है क्या, तब तक तुम सोचो, मुझे थोड़ा सा काम निपटना है 2 मिनट के लिए, उस काम को मैं निपट लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं बातचीत करूंगा, ठीक है, 2 मिनट के बाद मैं बातचीत करता हूँ तुम्हारे साथ, ठीक। सर 7 बजे क्लास रहेगी आज? हाँ क्यों नहीं रहेगी, ये तो एक्स्ट्रा है ना, उस क्लास का इस क्लास से क्या वास्ता? थोड़ा सा वो सोचना एक्चुअल में कठिन है, हल्का सा तुम्हारे लिए, थोड़ा सा, थोड़ा अभी अभी तो मुझे लग रहा है कि काफी कठिन है यार। हाँ? ठीक है, फिर भी कोई भी अगर तुम में से सोच लेता है तो ये अच्छी बात है वैसे, ठीक है क्या, जितना टाइम अभी तुमने सोचने में लगाया, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ सॉल्व एग्जांपल्स कराते वक्त मैं 2 मिनट के अंदर सारे सॉल्व एग्जांपल्स तुमको निपट दूंगा, 2 मिनट भी नहीं लगेगा, ठीक, और तुम उतनी ही तेजी के साथ अपने अनसॉल्व वाले कर डालना स्पीड में, और धाए धाए चेक करा के आगे बढ़ियो।
देखो चलो मैं उसमें तुम्हें थोड़ी सी हिंट देता हूं, ठीक है क्या? काफी वक्त तुम ऑलरेडी लगा चुके हो। एक्चुअल में अगर तुम ये अज्यूम करके चलते हो कि जो हम लोगों का ऑसिलेटर है पार्टिकल एट ओ, समझे, जो ऑसिलेटर है वो इनिशियल टाइम पर, हम लोगों ने क्या माना कि वो इनिशियल टाइम पर मीन पोजिशन पर है। अगर मीन पोजिशन पर नहीं है फिर अभी हम लोगों ने ऊपर वाले केस में ये मानकर चले कि यार टी इक्वल्स टू जीरो, उसकी जो वाई है वो एक्चुअल में कितनी है। एट टी इक्वल्स टू जीरो एक्स इक्वल्स टू जीरो अपन ने क्या मान के चला कि उसका जो वाई है वो क्या है, जीरो, समझे। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि टी इक्वल्स टू जीरो एक्स इक्वल्स टू जीरो पर उसका वाई जीरो ना हो, यानी उसकी कुछ ना कुछ इनिशियल हाइट हो, ऊपर या नीचे मेरे को नहीं पता, लेकिन उसकी कुछ ना कुछ इनिशियल हाइट हो, समझ गए, ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं भाई। हम लोगों ने क्या चीज अज्यूम करके चली है कि हम लोगों ने क्या चीज अज्यूम करके चली कि इनिशियल टाइम पर टी इक्वल्स टू जीरो पर है ना, जो एक्स इक्वल्स टू जीरो वाला पार्टिकल है, क्या एक्स इक्वल्स टू जीरो पर लोकेटेड है क्या ऑसिलेटर? तो ऑसिलेटर बोलूंगा तो मैं समझ जाना एक्स इक्वल टू जीरो वाले पार्टिकल की बात कर रहा हूं, ठीक है क्या। तो हम लोगों ने मान के चले कि ऑसिलेटर इनिशियल मोमेंट पर कहां पर लोकेटेड है, मीन पोजीशन पर, और वहां नहीं हुआ तो तब क्या, तब मामला फिर चेंज हो जाएगा। तब उसके लिए हमें एक इनिशियल फेज एंगल वो ऐड करके रखना चाहिए, समझ गए, एक इनिशियल फेज वो तुम ऐड करके चलो, क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। जैसे यहां पर देखो, तो ये डिस्कशन हम लोग थोड़ा सा बाद में कंटिन्यू करेंगे, अभी तो इसको रोकना पड़ेगा, यहीं से शुरू करेंगे, और जो इस पॉइंट को मैं स्ट्रेस कर रहा हूँ, ठीक है क्या, टू बी कंटिन्यूड ऐसा लिख देता हूँ, उसके आगे जो डिस्कशन अपना होगा वो यहाँ से होगा, ठीक है क्या। जो एक्चुअल में कायदे से हम लोगों ने क्या माना, वाई वाई ओ इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, जो अपन चलते फिर रहे हैं, इसमें कायदे से क्या होना चाहिए बोलो, क्या होना चाहिए। अभी जो मेरी तुमने दो डायलॉग सुने होंगे उसके बाद अभी कायदे से यहां पर क्या लिखूं मैं, अरे हाँ फाई नॉट ये डालो तुम, ऐसा क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है, ठीक है। तो ये मैंने ऑलमोस्ट तुम्हें बता दिया है कि अपने ऊपर वाले डिस्कशन में क्या चीज अधूरी रह गई थी, अब इसके बाद से तुम्हें खुद से मेकआउट कर लेना चाहिए। अगर तुम नहीं कर पाए रहोगे अपनी अगली क्लास शुरू होने तक, तो वहीं से फिर मैं बातचीत कर लूंगा, क्या दिक्कत है, तुम गिरे तो मैं हूं संभालने के लिए, ठीक है क्या। तो इनिशियल फेज अगर तुम इन्वॉल्व अगर कर लो किसी पार्टिकल का, तो उसके बाद वो के एक्स माइनस ओमेगा टी भी तुम समझा सकते हो, ओमेगा टी माइनस के एक्स भी समझा सकते हो, ओमेगा टी माइनस के एक्स ही लिखना चाहिए एक्चुअल में कायदे से। पर अगर मान लेते हैं एक पार्टिकल है जो ऊपर से शुरू कर रहा है अपनी चढ़ाई, फिर क्या बोलोगे उसको, ऑलरेडी ऊपर है फिर वहां से नीचे आ रहा है, फिर तो उसके लिए अपने को थोड़ा मामला ठीक करना पड़ेगा। ऊपर से अगर आ रहा है तो इसका मतलब उसका इनिशियल फेज क्या है, पाई बाय टू, समझ गए, उसका इनिशियल फेस है पाई बाय टू। अच्छा, और अगर मान लेते हैं वो आ रहा है कहां से, अगर वो आ रहा है लेट से उसमें उसका इनिशियल फेज है अगर उसका पाई, समझ गए, तब फिर क्या करोगे। अगर वो पार्टिकल मान लेते हैं जैसे ही तुम्हारा टी इक्वल्स टू जीरो के बाद जैसे ही कहानी शुरू होगी और वो अगर नीचे की तरफ जाएगा तब, तो उसका इनिशियल फेज तुमको क्या लेना पड़ेगा, वो तुम उठाओगे ना पाई उठाओगे फिर। अगर वो एकदम टी इक्वल्स टू जीरो वाला जो ऑसिलेटर है वो अगर लेट से जैसे ही मोशन तुम्हारा शुरू होगा, समझे, तो उसमें इनिशियल फेज तुमको क्या उठाना पड़ेगा, वो तुम उठाओगे पाई उठाओगे, क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात पल्ले पड़ रही क्या तुम्हारे, नहीं, हाँ सर, ठीक है। तो इनिशियल फेज तुमको पाई उठाना पड़ेगा, तो उसी हिसाब से देखो यहां पर कायदे से एक्चुअल में मेरे को लिखना चाहिए था, कहाँ गया वो, ये जैसे ये वाली जो चीज मैंने लिखी है इसको मेरे को कायदे से क्या लिखना चाहिए था, ऐसा, ये ऐसा साइन ओमेगा टी प्लस पाई, ठीक है क्या, ये जहां की इनिशियल फेज है उसका,
ऐसा, ठीक है क्या? ठीक है क्या, मेरी बात समझ पा रहे हो? नहीं? अरे समझे क्या? सर। हाँ अब बोलो, अब कर लोगे? अब तो हो गया। वाई पी बोले कितना होगा? बोलो ए साइन, अरे अभी तो अपना बिंदास है ना, ये हो गया एंगल माइनस के एक्स। नहीं नहीं समझ रहा, हाँ सर। जम रहा है? यस सर। हाँ तो ये चीज कितनी हो जाएगी? पाई हटा दो, पाई प्लस थीटा इज व्हाट? अबे क्या लोग हो यार। माइनस साइन थीटा, हाँ माइनस साइन थीटा को अंदर ले ले तो कितना हो जाएगा? माइनस थीटा। क्या जमा या नहीं जमा? सर जरूरी थोड़ी, मतलब इनिशियल फेज 5 रहेगा, 5/2 भी तो रह सकता हाँ तो रखना बिंदास, चलो उसके कहे अनुसार चलते हैं। तो वेव का पैटर्न लेकिन तुम बनाओगे बाबा, कुछ तो करो सालो। फाई नॉट अगर पाई बाय टू है तो बोलो, बोलो कितना होगा? यश बोले है सर जरूरी थोड़ी है, साले वो वेव पैटर्न अगर ऐसा है ना तो फिर पाई ही रहेगा, अगर ऐसा वेव पैटर्न है तो फाई नॉट इज पाई, समझ गया? और तेरे कहे अनुसार चले तो वेव पैटर्न तू बना के देगा। हाँ बोल पहले, वाई ओ कितना रहेगा? ए साइन कितना रहेगा बे? ओमेगा टी प्लस फाई ओमेगा टी प्लस 5/2। प्लस फाई बाय टू। फिर वाई पी कितना हो जाएगा बोल? इसको ऐसा ले लेना डायरेक्ट इसको, ठीक है चलो, वो बस लिखने की बस बात है बस ऐसा। ये इतना देर इतना लंबा डिस्कशन का ये मुद्दा था ही नहीं ऐसा कुछ, ये ऐसा हो गया। तो वेव पैटर्न कैसे दिखाई देगा बोलो, पट से वेव पैटर्न कैसे दिखाई देगा बोल? कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। अरे वो तो ठीक है, वो तो लिख लेंगे अपन, है पाई बाय टू प्लस थीटा कितना होता है? ए कॉस थीटा है कि नहीं? हाँ ओमेगा सर। टी माइनस के एक्स ऐसा होता है, या फिर इसको तुम चाहो तो के एक्स माइनस ओमेगा टी भी लिख सकते हो, समझे? कॉस ऑफ माइनस थीटा इज सेम एज कॉस थीटा ओनली, ठीक है क्या? चाहे तो कैसा भी लिख सकते हो तुम, दोनों लिख सकते हो। अब जो वेव पैटर्न होगा इसके अकॉर्डिंग वो क्या रहेगा? वेव पैटर्न कैसा रहेगा? ये हो गया वाई इक्वल्स टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है? हाँ इसका वेव पैटर्न बताओ, अगर फाइंड आउट अगर तुम्हारे पास पाई बाय टू है तो। पार्टिकल ऊपर तो रहेगा, पॉजिटिव एक्सट्रीम पर रहेगा, तो इसमें तो वेव पैटर्न बनाने की क्या देरी क्या हो रही है थी? ये ऐसा, और फिर उसके बाद कैसे करोगे? कॉस वाला ग्राफ। हाँ ये कॉस वाला ग्राफ ऐसा, एक वेव पैटर्न तैयार हो गया तुम्हारे पास। क्या मैं बोल रहा हूँ क्लियर है? ऐसा है हाँ सर। ना बैल के सीन, क्या मेरी बात से एग्री कर रहे हो? हाँ सर। हाँ ठीक है सर। ठीक है, सर नीचे से तो रहेगा, नीचे से भी रह सकता ना, नीचे से माइनस 5/2 होगा ना वो, क्या नीचे से क्या? इनिशियल फेज अगर पाई बाय टू है, नेगेटिव एक्सट्रीम से रहेगा ना। नहीं इनिशियल फेज अगर तुम्हारा पाई बाय टू है तो उसको इनिशियल मोमेंट पर पॉजिटिव एक्सट्रीम पर ही रहना पड़ेगा ना, पॉजिटिव एक्सट्रीम से तो वो चलेगा। तो वो चलेगा, ठीक है क्या? अच्छा एक मिनट, तो अगर वहां से वो अगर चल रहा है तो अंत टाइम पे वो एक्चुअल में कैसा दिखाई देगा तुमको इसको, एक मिनट। तो अगर मान लेते हैं तुम्हारे पास वो इनिशियल मोमेंट पर अगर लेट से पॉजिटिव एक्सट्रीम पर अगर है और चल रहा है, समझे? तो एक ऑसिलेशन पूरा करने के बाद वो वापस उसी पोजीशन पर आएगा, और टाइम जैसे ही थोड़ा सा और बीतेगा वो और कैसा रहेगा तुम्हारे पास? पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जाएगा वो फिर से। सर नहीं मीन पोजीशन की तरफ जाएगा, पॉजिटिव एक्सट्रीम पर तो वापस से आएगा वो, ठीक है क्या? एक मीन पे ऑसिलेशन तो आ गया ना, एक कंप्लीट करने के बाद फिर नहीं, पॉजिटिव पे एक जाएगा कंप्लीट ना। करने के बाद वो पॉजिटिव एक्सट्रीम पर आ जाएगा। अबे वो इनिशियली स्टार्ट ही वहीं से कर रहा है पॉजिटिव एक्सट्रीम से, समझे? हाँ सर। ठीक है, तो एक कंप्लीट करने के बाद वो वापस से पॉजिटिव एक्सट्रीम पर ही रहेगा, ठीक है बात? वो वापस से पॉजिटिव एक्सट्रीम पर ही रहेगा, क्लियर है? एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के बाद वापस से पॉजिटिव एक्सट्रीम पर ही रहेगा, ठीक? और हाँ सर, फिर मीन की तरफ आएगा। फिर मीन की तरफ आएगा, तो वो इनिशियल डायग्राम वॉज करेक्ट, ये ठीक रहेगा, समझे क्या? तो इसके जस्ट बाद जैसे ही थोड़ा सा और टाइम बीतेगा वो मीन पोजिशन की तरफ चलेगा, ठीक है क्या?
तो x इक्वल्स टू जीरो ठीक उसी की तरह दिखाई देगा जैसे कोसाइन वाला कर्व दिखाई देता है। ठीक बात, इनिशियल फेज अगर तुम्हारा मान लेते हैं पाई है, ठीक इनिशियल फेज अगर तुम्हारे पास पाई है तो इसका मतलब कर्व कैसा दिखाई देगा तुमको, ये ऐसा। ठीक है, इनिशियल फेज अगर तुम्हारे पास जीरो है तो कर्व तुम्हारे को ऐसा दिखाई देगा, इनिशियल फेज अगर तुम्हारे पास है ना पाए है तो कर्व फिर तुमको ऐसा दिखाई देगा, ये ऐसा। ठीक है, ये ऐसा। ठीक, इनिशियल फेज अगर तुम्हारे पास पाई बाय टू है तो फोटो फिर कैसी दिखाई देगी तुमको, पॉजिटिव की तरफ से मीन की तरफ आएगा। हाँ ठीक है, एक सेकंड, पॉजिटिव एक्सट्रीम से मीन की तरफ आएगा। ठीक है क्या, वो पार्टिकल तो उसके जो पीछे वाले पार्टिकल होंगे वो कैसे होंगे, वो अभी पहुंचने के होंगे, है कि नहीं, तो पहुंचने के होंगे इसका मतलब ऐसा कुछ बनेगा मामला, वो अभी पहुंचने के ही होंगे। ठीक है क्या, ऐसा। ठीक है, क्या बोलते हो? हाँ सर, ऐसा कुछ। ठीक है क्या, अभी पहुंचने के होंगे ना वो। कोसाइन वाला कर्व कैसा रहता है समझ गए ना, ऐसा। ठीक है क्या, कर लेना मतलब देख लेना। और अगर तुम्हारे पास लेट से 3π/2 अगर रहा फिर सर मीन पे रहेगा, नहीं नहीं नेगेटिव से तरफ पॉजिटिव की तरफ जाएगा। हाँ नेगेटिव एक्सट्रीम से, तो फोटो कैसी बनेगी, नेगेटिव एक्सट्रीम से पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जाएगा और जो उसके पीछे वाले रहेंगे वो कैसे उसको फॉलो करते हुए ये बेचारे ऐसे आएंगे, समझ गए क्या? हाँ सर, तो ये ऐसा बनेगा। हाँ सर, क्या इस बात से एग्री करते हो? हाँ सर। ठीक है क्या, तो जो पाई वाला है वो देखो, वो पाई वाला इसका मतलब मीन पोजिशन पर है। ठीक है क्या, पाई वाला है तो मीन पोजिशन पर अभी नीचे जाएगा वो और, ठीक है वो और नीचे जाएगा, इसका मतलब इसके पीछे वाले और इसके पीछे होंगे तो अभी भी मीन पोजिशन पर पहुंचने वाले होंगे। ठीक है क्या, समझ पा रहे हो क्या, क्या बोल रहा हूँ, क्लियर है, क्लियर है ये सारी चीजें? हाँ सर। तो एक्चुअल मैं ये चाह रहा था कि तुम इस चीज को खुद से वर्कआउट कर लेते, पर ठीक है कोई इशू नहीं, बट ये कोई वर्कआउट वगैरह एक्चुअल में ये बात ध्यान में रखना इस डेप्थ तक एक्चुअल में, और ये डेप्थ में कोई बहुत ज्यादा उसमें बहुत सारी चीजें अभी तुम्हें बताई नहीं है, पर वो जानने की अभी तुम्हें जरूरत भी नहीं है। ठीक है क्या, तो उसमें अभी जितनी हम लोगों ने वर्कआउट किया है खेल खेल में किया है उसमें मुझे नहीं लगता कोई इतना डिस्कम्फर्ट होना चाहिए तुम्हें, कोई ऐसा तो नहीं जिसकी तीनों के तीनों स्टंप उखड़ गए। ठीक, तो सॉल्व एग्जांपल्स एक बार पढ़कर बैठना, अभी क्लास में ओवर कर रहा हूं। ठीक है, ओके।